इन टेक्स्ट एक्सरसाइज एंड इंपॉर्टेंट तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के क्वेश्चन आंसर्स को नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन आंसरस में सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं पेज नंबर सिक्स पर टोटल तीन क्वेश्चंस हैं एक-एक करके सभी को समझ लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से ऐसा क्यों किया जाता है सो so इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है रीड कर देता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन भी करूंगा ए मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज इट हैज लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वेन केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस लेयर मेक्स बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम डिफिकल्ट जो भी हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है सपोज कर लीजिए ये पेन हमारा मैग्नीशियम रिबन है अगर इसको मैं एयर के एक्सपोज में काफी देर तक रख दूंगा या फिर ये एयर के कॉन्टेक्ट में कुछ देर तक रहेगा तो जो उसकी ऊपर वाली लेयर है मैग्नीशियम की वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और सरफेस पर सिर्फ सरफेस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ये लेयर प्रोटेक्ट करती है मैग्नीशियम को बर्न होने से अगर हमें मैग्नीशियम को बर्न करना है तो ऊपर की मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली लेयर हटानी पड़ेगी और हटाने के लिए क्या करेंगे पेपर लेंगे ऊपर वाली लेयर को रब करके हटा देंगे उसके बाद मैग्नीशियम एक्सपोज होगा और उसको बर्न कर देंगे बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा आपके सामने लिखा हुआ है यही आंसर हो जाएगा एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है तो क्वेश्चन नंबर वन हो जाता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर टू के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर नंबर पर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन मिकल इक्वेशन लिखनी है सो एक एक करके समझते हैं सबसे पहले वाले में जो केमिकल रिएक्शन है वो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों रिएक्शन करते हैं बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड सो आपको पता ही होगा हाइड्रोजन हो जाएगा गाइज हमारा एच इसके बाद क्लोरीन हो जाएगा हमारा गाइस है टू रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl बन जाता है इक्वेशन हमने लिख दी है लेकिन इसको बैलेंस भी तो करना है बैलेंस करने के लिए दोनों साइड में हाइड्रोजन क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो काउंट करेंगे यहां पर हाइड्रोजन के दो हैं यहां पर हाइड्रोजन का सिर्फ एक एटम है यानी कि इस साइड में भी हमें दो एटम करेंगे जब जाके हमारा हाइड्रोजन बैलेंस होगा और इस साइड में राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के दो एटम्स करने के लिए जो भी हमारा ये कंपाउंड है एच इसके आगे हमें टू पुट करना होगा जब भी जाके ये बैलेंस होगा चेक करो हमने यहाँ पर ये टू लगाया है इसके बाद हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर टू है यहाँ पर भी हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो गई है इसी तरह से क्लोरीन को चेक करो यहाँ पर क्लोरीन के दो एटम्स हैं यहाँ पर भी क्लोरीन के दो एटम्स हैं हाइड्रोजन है के साथ साथ क्लोरीन भी बैलेंस हो गई है आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर इसमें है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्शन होता है उसके बाद बनता है बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड सेकंड वाले पार्ट में जो भी केमिकल रिएक्शन है इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे सो बेरियम क्लोराइड सबसे पहले आता है जिसका फॉर्मूला होता है बी ए सी एल टू इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे यहां पर है एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम आ जाएगा हमारा ए एल टू एंड सल्फेट आ जाएगा हमारा एसओ फोर ब्रैकेट के अंदर आएगा सल्फेट और यहां पर थ्री भी आएगा इसके एटम्स होंगे सल्फेट के इसके बाद एरो लगाया जाएगा एरो के बाद है बेरियम सल्फेट जो होता है हमारा बी ए एस ओ फोर देन प्लस का साइन लगा के नेक्स्ट आएगा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है हमारा ए एल सी एल थ्री ये प्लस वाला साइन थोड़ा सा बीच में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसको बैलेंस पहले से ही कैसे करना है यहाँ पर बैलेंस करते हैं इक्वेशन लिखने के बाद सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे बेरियम से बेरियम का एक एटम इस तरफ है एक एटम इस तरफ है बेरियम हमारा पहले से ही बैलेंस है इसके बाद एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे एल्यूमिनियम के दो एटम्स यहाँ पर हैं एल्यूमिनियम का एक एटम है यहाँ पर दोनों साइड में हमें दो एटम करने होंगे अगर हमें एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है यहां पर दो एटम है इस साइड में दो एटम करने होंगे इस साइड में दो एटम करने के लिए यहां पर टू लगा दिया जाएगा सो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया हमारा इसके बाद क्लोरीन को चेक करो यहां पर क्लोरीन के दो एटम्स हैं यहां पर क्लोरीन के थ्री यहां पर है थ्री टू जा सिक्स एटम्स है इस साइड में भी हमें कितने करने होंगे सिक्स एटम्स करने होंगे जब जाके क्लोरीन हमारा बैलेंस हो होगा देख सकते हो ये क्लोरीन है थ्री टू जा सिक्स एटम्स है इस साइड में सिक्स करने के लिए क्या करेंगे जो भी हमारा ये कंपाउंड है इससे पहले टू के टेबल में सिक्स कब आता है थ्री टाइम्स पर यानी कि यहां पर थ्री लगा दिया जाएगा थ्री लगाने पर क्या होगा जो हमारा बेरियम है वो अनबैलेंस हो जाएगा पूरी इक्वेशन को दोबारा से चेक करेंगे जो भी हमने चेंज किया है उसके बाद देखो बेरियम के टोटल यहां पर थ्री एटम्स हैं यहां पर कितने हैं सिर्फ एक ही एटम है यहां पर भी बेरियम के हमें थ्री एटम करने होंगे तो यहां पर हम थ्री लगा देते हैं अब दोबारा से चेक करो बेरियम के थ्री एटम्स बेरियम के थ्री एटम्स अब एल्यूमिनियम को करेंगे एल्युमिनियम के दो एटम्स एल्युमिनियम के दो एटम्स एल्युमिनियम भी बैलेंस है अब क्लोरीन के यहां पर कितने हैं थ्री टूजा सिक्स एटम्स यहां पर थ्री टूजा सिक्स एटम्स यानी कि हमारा क्लोरीन भी बैलेंस है इसके बाद सल्फर और ऑक्सीजन को भी चेक करेंगे सल्फर के कितने हैं यहां पर देख सकते हो गाइज इस पे कितना लगा हुआ है ये ब्रैकेट के बाहर जो एटम लिखे हुए हैं ये सल्फर के भी हैं और ये ऑक्सीजन के भी हैं सल्फर का एक एटम है वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि सल्फर के तीन एटम्स हैं इस साइड में देखेंगे तो सल्फर के यहाँ पर तीन एटम्स हैं ऑक्सीजन के यहाँ पर चार एटम्स हैं फोर थ्री इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के ट्वेल्व एटम्स है इस साइड में चेक करो ऑक्सीजन के फोर एटम्स इस फोर को इस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के यहाँ पर ट्वेल्व एटम्स है ऑक्सीजन भी बैलेंस है केमिकल इक्वेशन लिख दी उसको बैलेंस हमने कर दिया आ जाते हैं थर्ड वाली इक्वेशन पर इसमें दिया है सोडियम प्लस में वाटर रिएक्शन होने पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन सो सोडियम होता है हमारा एन ए प्लस में वॉटर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा होता है एच टू ओ इसका रिएक्शन होता है और बनता है बनता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि एन एच इसके बाद ऑक्सीजन गैस निकल जाती है तो यहां पर आ जाएगा हमारा एच टू यानी कि हाइड्रोजन अब इसको बैलेंस करना है सबसे पहले सोडियम यहां पर अकेला है एक ही एटम है राइट हैंड साइड में चेक करेंगे तो एक ही एटम है सोडियम पहले से ही बैलेंस है अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं इस साइड में चेक करो दो एटम्स यहाँ पर हैं और एक एटम यहां पर है टोटल तीन एटम्स हो जाते हैं राइट हैंड साइड में तीन एटम हाइड्रोजन के हैं तीन हमारा एक ओड नंबर होता है इसको हमें इवन में चेंज करना होगा यानी कि जो भी हाइड्रोजन है इसके हमें दो एटम्स बनाने होंगे उसके लिए यहाँ पर टू लगाया जाएगा हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम्स हो गए दो एटम यहां पर हैं और दो एटम यहां पर हो गए टोटल चार एटम हो जाते हैं हाइड्रोजन है के इस साइड में भी हमें चार एटम करने होंगे तो इसके आगे यहां पर फोर लगा दिया जाएगा अब चेक करो पूरी इक्वेशन को सोडियम का एक एटम सोडियम के यहां पर दो एटम इस साइड में भी सोडियम के दो एटम कर देते हैं इसके आगे दो लगाकर सोडियम के टू एटम्स सोडियम के टू एटम्स सोडियम बैलेंस हाइड्रोजन के यहां पर गए हमें यहां पर टू लगाना था फोर गलती से लगा दिया टू लगाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के टू टू जाटम्स यहाँ पर टू और हाइड्रोजन के यहाँ पर टू राइट हैंड साइड में भी टोटल फोर एटम्स है हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया ऑक्सीजन के चेक करो ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पर है लेकिन ऑक्सीजन के आगे यहाँ पर टू भी तो लगा है यानी कि हाइड्रो ऑक्सीजन के हो जाएंगे दो एटम्स है इस साइड में चेक करो तो ये हमारा ऑक्सीजन इसके आगे लगा है टू यानी कि इस साइड में भी ऑक्सीजन के हमारे टू एटम्स है क्वेश्चन नंबर टू में जो भी हमारी ये केमिकल इक्वेशन हैं, इनके हमें केमिकल रिएक्शंस हैं, इनकी हमें केमिकल इक्वेशंस लिखनी थी और उनको बैलेंस करना था सभी को हमने कर दिया है तो क्वेश्चन नंबर टू हो जाता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर थ्री पेज नंबर सिक्स का लास्ट क्वेश्चन मूव करते हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पर

सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वॉटर रिएक्ट टू गिव इन बेरियम सल्फेट एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सबसे पहले जिस भी जिस भी केमिकल के साथ सोल्यूशन जुड़ा हुआ है सोल्यूशन कैसे तैयार होता है हमारे पास एक सोलिड केमिकल होता है उसको वॉटर में डाला जाता है यानी कि एक्वस बनाया जाता है तो सिंपल है जो भी हमारा बेरियम क्लोराइड है ये एक सोल्यूशन है वेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है गैस, वो होगा हमारा बी ए सी एल टू बेरियम क्लोराइड हो गया ये कैसा है सोल्यूशन है इसका यानी कि ये हो जाएगा हमारा गैस एक्वस सोल्यूशन कैसे तैयार होता है मैंने आपको बता दिया है ये एक्वस हो जाएगा इसी तरह से हमारा सोडियम सल्फेट रिएक्शन करता है इसके साथ जो कि वोटर में है ये हमें क्लियरली लिखा हुआ दिया गया है सोडियम सल्फेट हो जाएगा गैज हमारा एन ए टू एस ओ फोर ये भी हमारा हो जाएगा

सी एल सोडियम क्लोराइड ये सारी चीजें मिलती हैं बी ए एस ओ फोर की जो स्टेट है वो क्या होगी ये भी तो हमें लिखना है ना तो so यहाँ पर आ जाएगा ये सोलिड इसके बाद एन ए सी एल यानी कि सोडियम क्लोराइड ये हो जाएगा हमारा एक्वस यहाँ तक समझ में आया अब इसको बैलेंस अभी करना है जो भी हमारी ये स्टेट है ये लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर में कहा गया है अब इसको बैलेंस करने के लिए पर पर बेरियम 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 का का एक एक एटम भी एक एटम भी यानी कि ऑलरेडी बैलेंस है अब सोडियम को चेक करो सोडियम के दो एटम्स हैं है यहाँ पर सोडियम का सिर्फ एक ही एटम है राइट हैंड साइड में सोडियम के हमें दो एटम करने होंगे तो सोडियम बैलेंस होगा उसके लिए एन के यहाँ पर हम टू पुट कर देंगे सो यहाँ पर मैंने टू लगा दिया तो सोडियम हमारा बैलेंस हो गया अब क्लोरीन के चेक करो क्लोरीन के दो एटम्स हैं हैं पर ये क्लोरीन क्लोरीन रहा इसके भी दो क्लोरीन भी दो एटम्स हमारा बैलेंस हो गया है अब सल्फर का यहाँ पर एक एटम है सल्फर का पर एक है, हमारा बैलेंस है ऑक्सीजन के फोर एटम्स ऑक्सीजन के फोर एटम्स ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया है फर्स्ट वाली इक्वेशन बैलेंस हो गई है इनके स्टेट सिंबल के साथ हमने केमिकल इक्वेशन लिख दी है आ जाते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन पर इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वॉटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वॉटर टू तो प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वॉटर क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकेंड वाले पार्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका फार्मूला होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये वाटर के अंदर है यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन है हमारा सो यहां पर आ जाएगा हमारा एक्वस यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है ये वोटर के अंदर है इट मींस एक्वस ये रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारा एच सी ये भी क्या है हमारा सॉल्यूशन है या फिर यहाँ पर दिया गया है कि ये पानी के अंदर है सो ये भी हो जाएगा हमारा गाइज एक्वस दोनों रिएक्शन करते हैं रिएक्शन होने के बाद मिलता है हमें गाइज सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर भी लिखा गया है तो कॉपी कर सकते हो यानी कि एन ए सी एल और साथ में मिलता है वॉटर यानी कि पानी प्लस का साइन लगाएंगे सोडियम क्लोराइड जो है ना गाइज ये हमारा होगा एक्वस ये बनता किसके अंदर है पानी के अंदर मतलब इसके साथ में पानी मिलता है पानी के अंदर ही बन जाता है ये सोल्यूशन तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वोटर भी मिलता है हमें साथ में तो एच टू ओ आ जाएगा बिल्कुल परफेक्ट हमने जगह का यहां तक इस्तेमाल कर लिया है अब यहां पर जो भी हमारी ये केमिकल इक्वेशन बनी है है इसको बैलेंस भी करना है। तो सोडियम का यहां पर एक एटम सोडियम का यहां पर एक एटम सोडियम बैलेंस है अब चेक करेंगे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का गैस एक एटम यहां पर है एक एटम यहां पर है लेफ्ट हैंड साइड में टोटल दो एटम्स हैं राइट हैंड साइड में चेक करो टोटल दो एटम्स हैं यानी कि हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है अब ऑक्सीजन को चेक करना है ऑक्सीजन का एक एटम यहां पर है ऑक्सीजन का एक एटम राइट हैंड साइड में है यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है अब क्लोरीन को चेक कर लो क्लोरीन का एक एटम यहां पर है क्लोरीन का एक एटम यहां पर है यानी कि ये पूरी इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है सो क्वेश्चन नंबर थ्री में जो भी दो स्टेटमेंट दी गई थी दो केमिकल रिएक्शन दिए गए थे उनको हमने यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है उनके स्टेट सिंबल के साथ सो पेज नंबर सिक्स के तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट अब इससे नेक्स्ट जो इंटेक्सट क्वेश्चन हैं उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर टेन पर है दो क्वेश्चन है टोटल फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें है अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग कोई सब्सटेंस एक्स है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं जो भी हमारा ये एक्स है ये मैथ में तो आता ही था साइंस में भी इसने अपनी जगह बना ली है और कहां -कहां पर एक्स ने जगह बनाई है कमेंट करके जरूर बताना गाइज सो एक्स जो सब्सटेंस है इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हमारे बने हैं फर्स्ट वाले में है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला जो भी सब्सटेंस एक्स है जिसका यूज व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है दीवारों पर व्हाइट वॉशिंग के लिए इसका नाम क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होगा दो चीजें हमें फर्स्ट वाले पार्ट में बतानी है तो बिल्कुल आसान है गाइज जो भी हमारा सब्सटेंस एक्स है व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन से सब्सटेंस का यूज किया जाता है सी ए ओ यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड सो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट वाले आंसर में द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है एंड इट्स फॉर्मूलाइज सी और इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सी ए ओ फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया इजी था बिल्कुल सेकेंड वाले में है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अब वॉटर जो भी फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा एक्स एलिमेंट का हमने एक्स सब्सटेंस का हमने नाम बताया है इसका पानी यानी कि वोटर के साथ रिएक्शन कैसे होगा इसको हमें बताना है तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर हो जाएगा हमारा गाइजेस सी ए ओ प्लस में रखेंगे यहां पर वॉटर यानी कि एच टू ओ ये रिएक्शन कैसे करेगा सिंपल सी बात है एरो लगा देते हैं यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा यानी कि सी ए यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओ एच टू ये बना हमारा क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है वाटर के साथ सब्सटेंस एक्स का अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है जो भी हमारा सी है इसे कहा जाता है गैज क्विक लाइम लिख देना है इसे भी इसके अलावा यहां पर कैल्शियम हाइड्रो जो है इसे क्या कहा जाता है यह भी हमें लिख देना है इसे कहेंगे लाइम है सो सी ए ओ हो जाएगा हमारा गैजेप क्विक लाइम कैल्शियम हाइड्रो हो जाएगा हमारा स्लेक्ड लाइम क्वेश्चन नंबर वन में दो पार्ट थे दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर वन हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर टू के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर टेन का सेकंड यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें दिया है अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन बुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक्टिविटी सेवन में क्या किया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वोटर जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वॉटर करते हैं तो एक जो भी हमारे कैथोड और एनोड होते हैं पॉइंट पर जो गैस कलेक्ट होती है दूसरे वाले पर फर्स्ट वाले का डबल कलेक्ट होती है तो ऐसा क्यों होता है जो डबल गैस कलेक्ट हुई है उसका हमें नाम भी बताना है सो so, सिंपल सी बात है आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं जो भी हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड यानी कि नेगेटिव कैथोड यानी कि पॉजिटिव एनोड पर हमें गैस मिलती है गैज एच टू यानी कि हाइड्रोजन कैथोड पर हमें गैस मिलती है ओ टू यानी कि ऑक्सीजन अब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो उसकी केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं इजी हो जाएगा समझना क्या होता है उसमें यानी कि है इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये डिवाइड हो जाता है H2 में और साथ ही मिलती है हमें ऑक्सीजन गैस है हाइड्रोजन हमें मिलती है गैस एनोड यानी कि नेगेटिव पर और ऑक्सीजन मिलती है कैथोड यानी कि पॉजिटिव पर अब जो भी हमारी ये केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस भी करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा हमारा ये बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है ऑक्सीजन का एक एटम यहां पर है दो एटम यहां पर है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एच टू ओ के आगे हमने टू लगा दिया ऑक्सीजन के दो एटम हो गए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दो एटम हो गए बैलेंस अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई यहां पर टू टू या फोर हाइड्रोजन हो गई लेकिन यहां पर सिर्फ टू ही है सो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर हमने टू लगा दिया हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है अब इस इक्वेशन को ध्यान से समझना यहां पर देखो ऑक्सीजन जो हमारा है इसके टोटल कितने मोलिक्यूल है ओ टू ये हमारा सिर्फ एक ही मोलिक्यूल है ऑक्सीजन का ओ टू हमारा एक मोलिक्यूल होता है इसी तरह से एच टू हमारे कितने मॉलिक्यूल एच टू एक मोलिक्यूल होता है हाइड्रोजन का एच टू कितने हैं दो एच टू है एच टू हमारे दो हैं इसके आगे दो लिखा गया है यानी कि हाइड्रोजन के दो मोलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है ठीक है ये यहाँ पर ऐसा कैसा लिखता हूं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल H2 होता है यानी कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद और एक मॉलिक्यूल मिलता है हमें ऑक्सीजन का क्लियर हुई चीजें जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल बनते हैं इसीलिए जो, जो भी हमारा एनोड होता है उस पर डबल होती है कैथोड की बजाय गैस और वो गैस होती है हमारी हाइड्रोजन यही हमें आंसर में लिख देना है सो आंसर हो जाएगा द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी वन पॉइंट सेवन इज डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर बिकॉज यहां तक तो क्वेश्चन से ही लिया गया है वोटर हैज टू मोलिक्यूल हाइड्रोजन वोटर में दो मोलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के एंड वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मोलिक्यूल होता है इसीलिए हाइड्रोजन गैस डबल होती है एनोड पर एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ऑफ वाटर द अमाउंट हाइड्रोजन गैस इज डबल हमने गैस का नाम भी यहां पर बता दिया है हाइड्रोजन होती है सो क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल सिंपल था इतने से आप समझ गए होंगे दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं वाटर में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है इसीलिए ऑक्सीजन से डबल गैस होती है एनोड पर जो भी हमारा ये क्वेश्चन है जो भी हमारी एक्टिविटी वन पॉइंट सेवन है इसको हम खुद से भी परफॉर्म करेंगे वीडियो जो जैसे ही तैयार होगी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे एक अच्छी तरह से आपको चीजें समझ में आएंगी सो पेज नंबर टेन पर जो भी दो क्वेश्चन दिए गए थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए थे दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब इसे नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएंगे आगे आने वाले पेजेस पर उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर Question, आते हैं, 13 पर, हैं, एक एक करके सभी को देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें दिया है सल्फेट का सोलूशन है उसमें एक आयरन नेल डाली जाती है तो कोपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है क्यों होता है ये हमें बताना है सो so आंसर पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको एक्सप्लेन भी करूंगा आंसर में है द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोलूशन चेंज एन आयरन आयरन नेल इज इन इट बिकॉज कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है आयरन नेल उसमें डाली जाती है कॉपर से रिएक्ट ज्यादा रिएक्टिव है आयरन तो आयरन क्या करेगा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को भगा देगा जो भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है जब उसमें आयरन नेल डाल देंगे तो रिएक्शन होगा धीरे धीरे और जो कलर है ब्लू कलर था वो चेंज हो जाता है ग्रीनिश कलर में रिएक्शन बता देता हूं आपको अच्छी तरह से आप समझ जाओगे ये हमारा गाइज एफ ई यानी कि आयरन है सपोज कर लीजिए ये हमारी आयरन नेल है हमने इसको डिप किया किसमें सी यू एस ओ फोर के सोल्यूशन में रिएक्शन होने पर क्या होगा जो भी हमारा आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर को सल्फेट में से भगा देगा रिएक्शन होने पर हमें मिलेगा एफ -E ई सल्फेट मिल जाएगा प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा जो आयरन नेल है उस पर ये इकट्ठा हो जाएगा जमा हो जाएगा यहां पर ये हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का आयरन नेल डालने के बाद इसमें एफ ई फोर बनता है जो कि ग्रीनिश कलर का हो जाता है सो कलर में चेंज क्यों आया क्योंकि आयरन ने कोपर सल्फेट में से कोपर को हटा दिया इसीलिए उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू से ग्रीनिश सिंपल आंसर सा आपके सामने यहां पर मैंने दे दिया है एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन नंबर वन हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर थर्टीन वाला मूव करते हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर थर्टीन के क्वेश्चन नंबर टू को देख लेते हैं इसमें दिया है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी है बुक में जो एक्टिविटी वन पॉइंट टेन है उस एक्टिविटी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी हुआ है उससे हटकर हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है सो एक की बजाय दो एग्जाम्पल आपको देता हूं यहां पर दोनों एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे सबसे पहले NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों रिएक्शन करते हैं बनता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और H2O यानी कि वॉटर अब यहां पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुआ ध्यान से देखोगे तो सोडियम किसके साथ जुड़ गया क्लोरीन के साथ बना एन HCl सोडियम ने यहां पर HCl में से H को हटा दिया हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया इसी तरह से हाइड्रोजन ने क्या किया इस NaOH में से Na को डिस्प्लेस कर दिया और बन गया वॉटर ये हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ गया तो बन गया यहां पर वॉटर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये एग्जाम्पल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बिल्कुल इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल भी है हमारे पास NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट दोनों रिएक्शन करते हैं बनता है सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड जो भी हमारा ये रिएक्शन हुआ है इसको बैलेंस कर सकते हैं सबसे पहले तो हमें बैलेंस करना होगा बैलेंस करने के लिए सोडियम क्लोराइड के आगे यहाँ पर टू लगा दो बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन चेक कर सकते हो आप सोडियम के दो एटम्स है सोडियम के दो एटम्स है क्लोरीन के दो एटम्स क्लोरीन के दो एटम्स है यहाँ पर सी ए यानी कि कैल्शियम का एक एटम कैल्शियम का एक एटम सल्फर का एक एटम सल्फर का एक एटम ऑक्सीजन के फोर ऑक्सीजन की फोर इक्वेशन इतनी जल्दी बैलेंस हमने कर दी अब डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है सोडियम ने क्या किया सोडियम ने सी एस ओ फोर में से सी ए को डिस्प्लेस करके एन ए टू एस ओ फोर बना लिया एस ओ फोर के साथ एन ए गया और सी ए ने क्या किया यहां से इस वाले सोलूशन में से सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया ठीक है लेकिन लगा देते हैं यहां पर सोडियम ने यहां से सी ए को डिस्प्लेस कर दिया और Ca ने यहाँ से सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो एग्जाम्पल हमने यहां पर ले लिए हैं पेज नंबर थर्टीन पे क्वेश्चन नंबर थ्री भी है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर थर्टीन का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है आइडेंटिफाई द द द सब्सटेंसेस दैट दैट आर आर एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें दो रिएक्शन दिए गए हैं इनमें जो भी सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज होते हैं या उनका रिडक्शन होता है दोनों ही चीजें हमें बतानी है कौन से का रिडक्शन होता है कौन से का ऑक्सीडेशन होता है फर्स्ट वाले पार्ट में हमें केमिकल इक्वेशन दी है 4Na प्लस में O2 दोनों रिएक्शन करते हैं बनता है 2Na2O सोडियम यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बनता है सोडियम ऑक्साइड यहां पर सोडियम देखो रिएक्टेंट्स में हमारे पास सोडियम है और प्रोडक्ट में देखेंगे तो सोडियम ऑक्साइड हो गया सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गई रिएक्शन होने के बाद है। यानी कि सिंपल है ऑक्सीजन का एड होना क्या होता है ऑक्सीडेशन तो आंसर में लिख देंगे यहां पर ऑक्सीजन है, है. रिएक्शन के बाद देखो सेकंड टर्म सेकंड सब्सटेंस यहां पर तो है ही नहीं यानी कि जो भी ये ऑक्सीजन है इसका रिडक्शन हो गया है इस केमिकल रिएक्शन में तो लिख देंगे ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड बिल्कुल सिंपल है सेकेंड वाले को देख लो यानी कि कॉपर ऑक्साइड है रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो प्रोडक्ट में में बनता है Cu में H2O. यहां पर देखो यानी कि कॉपर ऑक्साइड है रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ सिर्फ कॉपर बचा यानी कि ऑक्सीजन इससे हट गई ऑक्सीजन का हटना होता है रिडक्शन तो लिख देंगे कॉपर ऑक्साइड यहां पर हमारा ये कॉपर ऑक्साइड है इज रिड्यूस्ड टू कॉपर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ रिडक्शन होके ये बन गया कॉपर यही हमने यहां पर लिख दिया है एंड जो भी हमारा ये हाइड्रोजन है रिएक्शन होने के बाद देखो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई है ऑक्सीजन का ऐड होना होता है ऑक्सीडेशन है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ और बनाया क्या इसने वॉटर सिंपल टर्म है बिल्कुल जो भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ी है ऑक्सीडेट वो ऑक्सीडाइज होंगे जिनमें से ऑक्सीजन हटी है वो रिड्यूस होंगे सो क्वेश्चन नंबर थ्री के दोनों पार्ट हमने अच्छी तरह से समझ लिए हैं अब पेज नंबर थर्टीन के बाद आती है हमारी एक्सरसाइज टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन हैं एक एक करके सभी को सोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज से चैप्टर के एंड में जो भी एक्सरसाइज है उसको हम शुरू कर रहे हैं टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन में दिया है ऑफ द द स्टेटमेंट्स अबाउट रिएक्शन बिलो आर इन पर हमें एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सो so, रिएक्शन को समझते हैं यहां पर है पी बी ओ यानी कि लेड ऑक्साइड रिएक्शन करता है ये सी यानी कि कार्बन के साथ है. PbO और कार्बन रिएक्शन करने पर बनता है Pb और साथ में बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइओक्साइड अब यहां पर इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले में है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड लेड यहां पर रिड्यूस हो रहा है क्या बिल्कुल नहीं यहां पर है लेड ऑक्साइड ठीक है रिएक्शन होने पर लेड ऑक्साइड रिएक्शन होने पर लेड बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है लेकिन स्टेटमेंट में कहा गया है कि लेड का रिडक्शन हो रहा है तो यह स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी इनकरेक्ट है बिल्कुल इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज यहां पर कार्बन है रिएक्शन होने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है कार्बन का यहां पर ऑक्सीडेशन होता है लेकिन स्टेटमेंट में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है जो कि बिल्कुल गलत होगा कार्बन का तो हो रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का तो कहीं पे भी नहीं हो रहा यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट होगी इसे नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज यहाँ पर कार्बन है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है रिएक्शन होने के बाद यानी कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है तो बिल्कुल ठीक है सी वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही होगी करेक्ट होगी नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड ये हमारा लेड ऑक्साइड है यहां पर रिएक्शन होने पर सिर्फ लेड बचा ऑक्सीजन इससे हट गई यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है यही हमें स्टेटमेंट में दिया गया है यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही होगी करेक्ट होगी अब जो भी हमारी ए बी सी डी स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी इनकरेक्ट है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर चूज करना है सो आंसर में यहां पर मैं लिखूंगा गई देखो ए वाली इनकरेक्ट है बी वाली इनकरेक्ट है हमें इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट बतानी है तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ए एंड बी ये हमारी ए स्टेटमेंट ये हमारी बी स्टेटमेंट दोनों इनकरेक्ट हैं यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर लिख देंगे ए एंड बी ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर वन में हमें यही बताना था क्वेश्चन नंबर वन हुआ कंप्लीट टू के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में हमें एक केमिकल इक्वेशन दी गई है इससे रिलेटेड पॉइंट हमसे पूछा है द अबाउ रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो भी ये केमिकल रिएक्शन हुआ है ये किसका एग्जाम्पल होगा क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है सो रिएक्शन को समझते हैं सबसे पहले यहां पर ए एल यानी कि एल्यूमिनियम है एफ ई यानी कि आयरन है आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से तो यहां पर एफ ई टू ओ थ्री यानी कि आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड में से आयरन को ही बाहर का रास्ता दिखा देता है बाहर निकाल देता है बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन आयरन को इसने अलग कर दिया यानी कि डिस्प्लेस कर दिया यहां पर हुआ है सिंगल डिस्प्लेसमेंट एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ऑक्साइड में से तो इसका आंसर हो जाएगा ये एग्जाम्पल होगा गाइज हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यही डी पॉइंट पे टिक कर देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे सामने है इसमें है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स टेक द करेक्ट आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स में डालेंगे यानी कि आयरन के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा जो भी सही आंसर होगा ए बी सी और डी में से उसको हमें टिक करना है तो जो भी हाँ ये रिएक्शन होगा आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं इजी हो जाएगा सही ऑप्शन चूज करना सो सबसे पहले आयरन यानी कि एफ ई हो जाएगा आयरन फिलिंग से रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एच सी एल के साथ रिएक्शन होने पर क्या होगा गाइज रिएक्शन होने पर बनेगा हमारा एफई सी एल है एच सी एल में से आयरन क्या करेगा एच सी एल में से हाइड्रोजन को हटा देगा डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से सो बनेगा यहां पर एफ ई सी एल टू प्लस में हाइड्रोजन गैस है? निकल जाएगी जो भी हमारी ये केमिकल इक्वेशन है अब इसको बैलेंस भी कर लेंगे बैलेंस करने के लिए एच के यहाँ पर टू लगा देंगे आयरन ऑलरेडी बैलेंस है हाइड्रोजन के यहाँ पर दो एटम्स यहाँ पर भी दो एटम्स हाइड्रोजन भी बैलेंस है क्लोरीन के यहाँ पर दो एटम्स यहाँ पर भी दो एटम्स, एटम्स यानी कि क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है जो भी ये केमिकल रिएक्शन हुआ इसमें क्या होता है एफ यानी कि आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है सही ऑप्शन हमें चूज करना है सो देख लेते हैं फर्स्ट वाले में है ए वाले में है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है हमने जो भी ये केमिकल इक्वेशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग हमारा ए वाला जो सबसे पहले हमने ऑप्शन चेक किया है वही करेक्ट हो जाता है ये करेक्ट है तो टिक कर देंगे लेकिन बचे हुए ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लेंगे यहां पर है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रो ऑक्साइड आर प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं यहाँ पर क्लोरीन गैस नहीं बनती है तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट है नो रिएक्शन टेक प्लेस मेटल और एसिड हमेशा रिएक्शन करते हैं आयरन मेटल होता है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो सी वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा आगे है आयरन सोल्ट एंड वॉटर आर यहां पर iron salt तो बनता है, लेकिन water नहीं बन रहा है It means, D वाली statement भी हमारी होगी, सिर्फ एक ही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ए वाली जिसको हमने यहां पर टिक भी कर दिया है तो क्वेश्चन नंबर थ्री हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फोर के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें दिया है व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है जो भी केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है ये दो आंसर करने हैं हमें क्वेश्चन नंबर फोर में सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है रिएक्टेंट में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट के जो भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ उसे कहा जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अब इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा गया है कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इसीलिए केमिकल रिएक्शन जब होता है केमिकल रिएक्शन होने से पहले जितना मैटर होगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही मैटर होगा यानी कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं हैं उनके एटम्स और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी हमारे एलिमेंट्स हमें मिलेंगे एटम्स होंगे उनके वो एक दूसरे इक्वल होंगे ये सिंपल सा पॉइंट है जिसकी वजह से हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है सिंपल लाइन है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास नाइन्थ में आपने इसके बारे में पढ़ा था सो so, जो भी अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया है यही आंसर बना के लिख देना है इजी आंसर में लिखेंगे इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल इन नंबर ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड में जो भी एटम्स होंगे हर एक एलिमेंट के वो एक दूसरे के इक्वल होंगे लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो इक्वल होंगे केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है

एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है इसमें है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम यहां पर हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनके लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है सो so, ए वाले में दिया है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है दोनों मिल जाते हैं और बनता है रिएक्शन होने के बाद अमोनिया इसके लिए केमिकल इक्वेशन क्या होगी सबसे पहले हाइड्रोजन गैस होती है हमारी एच प्लस में नाइट्रोजन गैस होती है हमारी एन टू दोनों मिले और बना अमोनिया यानी कि एन एच थ्री केमिकल इक्वेशन लिख लिया अब इसको बैलेंस बैलेंस कर लो करने के लिए नाइट्रोजन के दो एटम्स यहां यहां पर पर हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के एक एटम है को बैलेंस करने के लिए एन एच थ्री के आगे हमें टू लगा दिया नाइट्रोजन के दो एटम्स यहां पर हो जाते हैं नाइट्रोजन के दो एटम्स यहां पर हो जाते हैं नाइट्रोजन बैलेंस हो गई है हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन के दो एटम्स यहां पर हाइड्रोजन के थ्री जा सिक्स एटम्स हैं तो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भी सिक्स एटम्स करने के लिए हाइड्रोजन के आगे हम थ्री पुट कर देंगे थ्री जा सिक्स हाइड्रोजन यहां पर है सिक्स हाइड्रोजन यहां पर है टू नाइट्रोजन यहां पर है टू नाइट्रोजन यहां पर है केमिकल इक्वेशन हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस है इसको बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में बर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी होती है चैप्टर में मैंने आपको कई बार बताया था कि रिस्पॉन्सिबल गैस होती है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन सो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी अगर उसको बर्न करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी मिलेगा हमें प्रोडक्ट में वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है लिखते हैं इसकी इक्वेशन हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि एच टू एस ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन यानी कि ओ टू के साथ बर्न करने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ है तो प्रोडक्ट में हमें वाटर यानी कि एच टू ओ मिलेगा साथ ही हमें सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मुला होता है डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के दो एटम्स होंगे अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है उसको ध्यान से समझना यहां पर देखो हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं इस साइड में आएंगे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं हाइड्रोजन बैलेंस है अब सल्फर को देखो सल्फर का एक एटम है यहां पर भी सल्फर का एक एटम है सल्फर भी हमारा बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हम हाइड्रोजन और सल्फर दोनों को अनबैलेंस कर देंगे उसके बाद उनको दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा काफी इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं इस साइड में चेक करेंगे ऑक्सीजन के दो एटम्स यहां पर हैं एक एटम यहां पर है टोटल कितने एटम हो गए राइट हैंड साइड में थ्री एटम्स है यानी कि इस साइड में जो ओड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं उनको ईवन में चेंज करेंगे ईवन में चेंज करने के लिए यहाँ पर टू लगा देता हूँ जैसे ही मैंने ये टू लगाया हाइड्रोजन हमारी अनबैलेंस हो गई क्योंकि हाइड्रोजन के भी तो दो एटम इंक्रीज हो गए हैं ना टू, टू जा, फोर एटम्स हो गए तो हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस करेंगे या फिर ऐसे ही रहने देते हैं ऑक्सीजन को करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी कितनी हो गई ठीक है यहाँ पर दो हैं और यहां पर दो हैं यानी कि राइट हैंड साइड में फोर एटम्स हो गए यहां पर सिर्फ टू हैं इस साइड भी फोर करने के लिए यहाँ पर टू लगा देते हैं ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हमने क्या किया हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिया हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे टू टू ज फोर हाइड्रोजन यहां पर है और यहाँ पर कितनी है टू हाइड्रोजन है तो यहाँ पर फोर करने के लिए इसके आगे टू लगाएंगे हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो गई हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने सल्फर को अनबैलेंस कर दिया अब यहां पर देखो टू टू जा फोर हाइड्रोजन टू टू जा फोर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गई सल्फर यहां पर सल्फर के दो एटम्स हो गए लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर सिर्फ एक ही एटम है तो यहां भी हमें क्या करना होगा सल्फर के दो एटम्स करने होंगे तो यहां पर लगाते हैं टू अब हमने सल्फर को बैलेंस जब कर दिया हाइड्रोजन को जब बैलेंस कर दिया तो हमारी ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गई है चेक करके देख सकते हो आप ऑक्सीजन के टू टूजाइट पर हैं ऑक्सीजन के टू एटम्स यहां पर हैं उसके बाद टू टूजा फोर एटम है यानी कि राइट हैंड साइड में टोटल दो एटम यहां पर हैं ऑक्सीजन के चार एटम यहां पर हैं छह एटम हो जाते हैं राइट हैंड साइड में लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं सिर्फ चार ही एटम्स हैं सो so, जो भी हमने ये टू लिखा है इसको रब करेंगे यहां पर लिखेंगे थ्री अब हमारी जाके ये इक्वेशन बैलेंस हुई है कई सारी करेक्शन हमें करनी पड़ेंगी। जब भी कोई चेंज करेंगे तो इक्वेशन को हमें दोबारा से चेक करना होगा चेंज करने के बाद दूसरा कोई एलिमेंट जो है वो अनबैलेंस हुआ है या नहीं इस तरह से इसको बैलेंस किया जाएगा सो so, ए वाले पार्ट में जो स्टेटमेंट दी गई थी उसके लिए हमने इक्वेशन लिख ली बैलेंस कर दिया बी वाले पार्ट में जो इक्वेशन है जो भी स्टेटमेंट थी उसके लिए इक्वेशन लिख दी बैलेंस कर दिया क्वेश्चन नंबर फाइव के सी और डी वाले पार्ट भी हैं उनके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर फाइव के सी वाले पार्ट को देखते हैं इसमें है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ तो प्रोडक्ट में मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला so, होता है गए से बी ए सी एल टू ये रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है ए जो सल्फेट है उसके टोटल थ्री मोलिक्यूल्स होते हैं सो so, उसको किस तरह से लिखा जाएगा Al2 एस ओ फोर को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और इसके तीन मोलिक्यूल्स होते हैं तो यहाँ पर थ्री लिख दिया जाएगा इसके बाद रिएक्शन होता है इन दोनों का तो एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है हमें यानी कि ए एल सी एल थ्री और साथ ही मिलता है बेरियम सल्फेट यानी कि बी ए एस ओ फोर इक्वेशन हमने लिख दी बैलेंस करते हैं बेरियम का यहाँ पर एक एटम राइट हैंड साइड में बेरियम का एक एटम बेरियम हमारा बैलेंस है एल्यूमिनियम पर आ जाओ एल्युमिनियम के दो एटम एल्यूमिनियम का एक एटम एल्यूमिनियम को बैलेंस करना पड़ेगा सो यहाँ पर लगा देंगे दो एल्यूमिनियम के दो एटम्स यहाँ पर हैं एल्यूमिनियम के दो एटम्स यहां पर हैं एल्यूमिनियम है, बैलेंस हुआ अब क्लोरीन को चेक करते हैं क्लोरीन के दो एटम्स यहां पर हैं क्लोरीन के थ्री टूजा सिक्स एटम्स यहां पर हैं तो हमें क्लोरीन को बैलेंस करना होगा क्लोरीन के थ्री टूजा सिक्स यहाँ पर हैं तो यहां पर भी हमें सिक्स करने होंगे सिक्स करने के लिए क्या करेंगे जो भी हमारा ये कंपाउंड है बी ए सी एल टू इसके आगे थ्री लगा देंगे तो क्लोरीन के हमारे टू एटम्स हो गए, गए हैं क्लोरीन के लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने थ्री लगाया यहाँ पर बेरियम भी है ये अनबैलेंस हो गया बेरियम को बैलेंस करेंगे अब यहाँ पर बेरियम के थ्री एटम्स हैं यहाँ पर बेरियम के कितने एटम्स हैं गाइज सिर्फ एक ही एटम है यहाँ पर थ्री करने के लिए बेरियम के इसकी फॉर्मूले के आगे हमें थ्री लगाना होगा बेरियम के थ्री एटम्स यहां पर चेक करेंगे बेरियम के थ्री एटम्स बेरियम हमने बैलेंस कर दिया उसके बाद चेक करेंगे यहां पर देखो एसओ फोर है यहां पर सोडियम सॉरी सल्फर सल्फर के यहां पर थ्री एटम्स हैं यहां पर चेक करेंगे ये हमारा सल्फर है इसके थ्री एटम्स हैं सल्फर बैलेंस है ऑक्सीजन के यहां पर फोर हैं थ्री यहां पर हैं फोर थ्रीजा ट्वेल्व हो जाते हैं ऑक्सीजन के एटम्स यहां पर भी चेक करेंगे ऑक्सीजन के फोर यहां पर हैं थ्री यहां पर है ऑक्सीजन के यानी कि सी वाले पार्ट में जो भी बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ होता है प्रोडक्ट में अल्यूमिनियम क्लोराइड हमें मिलता है और बी ए एस ओ फोर यानी कि बेरियम सल्फेट मिलता है इसके लिए ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन और हमने इसको बैलेंस भी कर दिया है सो so, सी वाला पार्ट हुआ कंप्लीट आते हैं डी वाले पर है। इसमें है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वॉटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस पोटेशियम है वाटर के साथ रिएक्शन करता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है पोटेशियम का सिंबल होता है गैस स्मॉल के सॉरी कैपिटल के ये रिएक्शन करता है किसके साथ वाटर के साथ, साथ यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा एच टू ओ रिएक्शन होने के बाद मिलता क्या है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि के OH हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्साइड और साथ ही मिलती है हमें हाइड्रोजन गैस यानी कि यहां पर आ जाएगा प्लस में टू केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी ये हमारा पोटेशियम रिएक्ट किया इसने वाटर के साथ तो KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला साथ हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल गई अब इसको बैलेंस करेंगे यहां पर पोटेशियम अकेला है एक एटम है राइट हैंड साइड में भी एक ही एटम है यानी कि पोटेशियम हमारा बैलेंस है अब यहां पर हाइड्रोजन को चेक करो हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के दो एटम्स यहां पर हैं एक एटम यहां पर है हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में टोटल टू प्लस में वन थ्री एटम्स हैं इसको हमें इवन में चेंज करना होगा अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहते हैं तो यानी कि इस के ओ एच के आगे हम टू लगा देंगे जैसे ही हम टू लगाएंगे हाइड्रोजन के दो एटम्स ये हो गए दो ये हो गए टोटल टो चार एटम हो जाते हैं राइट हैंड साइड में तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी चार एटम करने होंगे उसके लिए हमें एच टू ओ के आगे टू लगाना होगा यहां पर भी हाइड्रोजन के चार एटम हो गए यहां पर हाइड्रोजन के दो एटम हैं यहां पर दो एटम हैं यानी कि राइट हैंड साइड में भी टोटल चार एटम हो गए हाइड्रोजन बैलेंस हुई लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने क्या किया पोटेशियम का एक एटम पोटेशियम के दो एटम पोटेशियम को अनबैलेंस कर दिया सो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहां पर तो इसके आगे टू लगा है इसको भी हमें टू बनाना होगा तो इसके आगे यहां पर टू लगा दिया जाएगा पोटेशियम हमारा फिर से बैलेंस हो गया अब हमें चेक करना है ऑक्सीजन को पोटेशियम बैलेंस है हाइड्रोजन बैलेंस है ऑक्सीजन बचता है सो so, ऑक्सीजन यहां पर दो एटम्स हैं ऑक्सीजन यहां पर दो एटम्स हैं ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव में टोटल चार स्टेटमेंट्स दी गई थी सभी के लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखी सभी केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस भी किया तो क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर पर क्वेश्चन नंबर फाइव में हमने इक्वेशंस इक्वेशंस को को बैलेंस बैलेंस किया में 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 भी हमें में और 8 में भी हमें हमें करना है और इक्वेशन लिखनी है और उनको बैलेंस करना है सो सिक्स क्वेश्चन में हमें टोटल चार इक्वेशन दी गई हैं इनको बैलेंस करते हैं फर्स्ट वाले में है एच एन ओ थ्री यानी कि नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन करता है सी एओ एच टू यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ तो प्रोडक्ट में मिलता है कैल्शियम नाइट्राइट प्लस में एच टू ओ की वॉटर बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन से शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने हैं एक एटम ये रहा दो एटम ये रहे टोटल तीन एटम हैं लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में चेक करेंगे तो दो ही एटम हैं हाइड्रोजन के सो so, एक साइड में तीन हैं एक साइड में दो हैं जिस तरफ तीन यानी कि ओड नंबर में एटम्स हैं वहां पर हम उसको ईवन में चेंज करेंगे ईवन में चेंज करने के लिए एच एन ओ थ्री के आगे हम लगा देंगे टू यहाँ पर चेक करो हाइड्रोजन के दो एटम्स यहाँ पर हैं दो एटम्स यहां पर, है, एटम्स यहां पर है, लेफ्ट हैं लेफ्ट हैंड साइड में टोटल फोर एटम्स हो गए हैं यहाँ पर सिर्फ टू ही एटम्स हैं इस साइड में भी हम फोर बना सकते हैं एच टू ओ के आगे यहाँ पर टू लगा देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के फोर एटम्स हो गए हैं यहां पर टू है यहां पर टू है लेफ्ट हैंड साइड में भी फोर एटम्स हो गए हैं हाइड्रोजन बैलेंस हुआ चेक करेंगे कैल्शियम को कैल्शियम का एक एटम यहां पर है एक एटम यहां पर है कैल्शियम ऑलरेडी हमारा बैलेंस है अब नाइट्रोजन को चेक करो नाइट्रोजन के दो एटम इस साइड में नाइट्रोजन के दो एटम ब्रैकेट के बाहर टू लगाया गया है इट मीनस नाइट्रोजन के यहां पर दो एटम होंगे नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस है बचा क्या हमारा ऑक्सीजन चेक करते हैं यहां पर ऑक्सीजन के थ्री एटम्स हैं थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हो जाता है सिक्स एटम्स यहां पर हैं यहां पर भी तो ऑक्सीजन है इसके टू एटम्स हैं सिक्स यहां पर है टू यहां पर है सिक्स प्लस टू टोटल एट एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड में चेक करेंगे ऑक्सीजन के थ्री एटम्स इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स और यहां पर ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं सिक्स प्लस टू ये इस साइड में भी हो जाता है एट लेफ्ट हैंड साइड में भी एट आइटम्स हैं राइट हैंड साइड में भी एट आइटम्स हैं यानी कि ए वाले पार्ट में जो हमें ये इक्वेशन दी गई है ये हो जाती है हमारी बैलेंस आ जाते हैं बी वाले पार्ट पर इसमें है एन ए ओ एच यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एच टू एस ओ फोर यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो बनता है एन ए टू एस ओ फोर सोडियम सल्फेट साथ में मिलता है हमें वॉटर बैलेंस करेंगे इसे यहां पर सोडियम का एक एटम है सोडियम के दो एटम हैं यहां पर दो एटम बनाने के लिए इसके आगे टू लगा देते हैं सोडियम बैलेंस हो गया दो एटम यहां पर हैं इस साइड चेक करेंगे तो दो एटम यहां पर हो गए आगे चेक करेंगे हम हाइड्रोजन तो को देखो हाइड्रोजन आया है ना तो हाइड्रोजन को चेक करते हैं हाइड्रोजन के दो एटम यहां पर हैं दो एटम यहां पर हैं टोटल चार एटम हैं लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में चेक करो टोटल दो एटम हैं हमें कितने चाहिए चार चाहिए तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा चार करने के लिए जो भी हमारा ये H2O है इसके आगे दो लगा दो लगा हाइड्रोजन बैलेंस हुआ हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन को चेक करेंगे हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहा oxygen के कितने हैं यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं यहां पर भी ऑक्सीजन आया है फोर एटम्स हैं दो यहां पर हैं चार यहां पर हैं टोटल टू प्लस फोर हो जाता है सिक्स एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में चेक करो फोर यहां पर हैं और टू यहां पर है राइट हैंड साइड में भी सिक्स एटम्स हैं यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है आते हैं यहां पर सल्फर पर सल्फर के एक एटम है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में भी एक ही एटम है यानी कि इक्वेशन हमारी पूरी बैलेंस हो जाती है हमने सोडियम को किया हाइड्रोजन को किया ऑक्सीजन को किया सल्फर को किया सभी को चेक कर लिया है पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस है आ जाते हैं सी वाले पर इसमें है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करता है ये AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं मिलता है हमें AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्राइट यहाँ पर सोडियम से शुरू करेंगे सोडियम के दो सोडियम का एक एटम है सोडियम का एक एटम है सोडियम बैलेंस है उसके बाद Ag यानी कि सिल्वर यहां पर ए जी यानी कि सिल्वर दोनों साइड में एक एक एटम है यानी कि बैलेंस है हमारा सिल्वर भी अब क्लोरीन के चेक करेंगे यहां पर क्लोरीन का एक एटम यहां पर भी क्लोरीन का एक एटम क्लोरीन भी हमारा बैलेंस है नाइट्रोजन के चेक करेंगे नाइट्रोजन का एक एटम इस साइड में चेक करेंगे तो नाइट्रोजन का एक एटम नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस है ऑक्सीजन के यहां पर थ्री एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के यहां पर थ्री एटम्स राइट हैंड साइड में है। हमने सोडियम को चेक किया सिल्वर को चेक किया क्लोरीन को चेक किया नाइट्रोजन को चेक किया ऑक्सीजन को चेक किया सभी के एटम्स हर एक एलिमेंट के एटम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल है यानी कि ये वाली सी वाले पार्ट में जो इक्वेशन दी गई है ये हमारी इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है डी वाले पार्ट में है यहाँ पर बी ए सी एल टू यानी कि बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है एच टू एस ओ फोर यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें मिलता है बी ए फोर यानी कि सोडियम सल्फेट एंड एच सी एल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन में यहां पर सबसे पहले हमारा कंपोनेंट आता है बी ए यानी कि बेरियम चेक करते हैं बेरियम का एक एटम बेरियम का एक एटम बेरियम ऑलरेडी बैलेंस है हाइड्रोजन को चेक करेंगे हाइड्रोजन के दो एटम हाइड्रोजन का यहां पर सिर्फ एक एटम है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड में जो हाइड्रोजन है इसके हमें दो एटम्स चाहिए दो एटम लेने के लिए क्या करेंगे HCl के आगे यहाँ पर टू लगा दिया जाएगा देख सकते हो दो एटम हाइड्रोजन के यहाँ पर है टू लगाने पर दो इस साइड में हो गए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया इसके बाद क्लोरीन के दो एटम्स हैं यहाँ पर क्लोरीन ये रहा इसके आगे हमने टू लगाया था तो क्लोरीन के दो एटम हो गए क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया सल्फर यहां पर है एक एटम है यहां पर सल्फर है एक एटम है सल्फर भी बैलेंस है ऑक्सीजन यहां पर फोर एटम्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां पर फोर एटम्स भी हमारा बैलेंस है क्वेश्चन नंबर में जो भी हमें चार इक्वेशन दी गई थी सभी को हमने बैलेंस कर दिया है तीन इक्वेशन को बैलेंस किया है एक हमारी पहले से ही बैलेंस थी सो क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर सेवन में भी हमें इक्वेशन को ही बैलेंस करना है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे सामने है है क्वेश्चन में दिया राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस जो भी ए बी सी डी में रिएक्शन होता है उसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी है और उस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है सो ए वाले में दिया है कैल्शियम हाइड्रो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्शन करते हैं बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वोटर कैल्शियम हाइड्रो क्या होगा हमारा सी ए से हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रो हो जाएगा हमारा ओ एच हाइड्रो ऑक्साइड के गई दो मोलिक्यूल होंगे यानी कि सी ए ओ एच टू हो जाएगा ये रिएक्शन करेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सी ओ टू के साथ तो प्रोडक्ट में मिलेगा हमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि सी ए सी ओ थ्री एंड देन प्लस में वॉटर यानी कि एच टू ओ ये इक्वेशन बैलेंस भी हमें करनी है तो बैलेंस करने के लिए जो भी इस तरफ राइट हैंड साइड में सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स है उनके एटम्स काउंट कर लेते हैं कैल्शियम का एक एटम है कैल्शियम का एक एटम है कैल्शियम बैलेंस है इसके बाद कार्बन का एक एटम है इस साइड में चेक करेंगे कार्बन का एक ही एटम है कार्बन भी बैलेंस है अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं यहां पर हाइड्रोजन के गैज दो एटम है यहां पर चेक करेंगे तो दो ही एटम है हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है ऑक्सीजन को चेक करते हैं यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पर दो एटम हैं उसके बाद दो एटम यहां पर हैं ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में चेक करेंगे तो थ्री एटम्स यहाँ पर हैं वन एटम यहाँ पर राइट हैंड साइड में फोर एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे तो दो ये रहे दो ये रहे चार एटम्स हैं यानी कि ये वाली इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है आ जाते हैं बी वाले पर इसमें दिया है जिंक रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो प्रोडक्ट में मिलता है जिंक नाइट्राइट प्लस में सिल्वर इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं जिंक होता है हमारा गाइज जेड एन ये रिएक्शन करेगा सिल्वर नाइट्राइट के साथ सिल्वर नाइट्राइट यानी कि होगा हमारा ए जी एन ओ थ्री रिएक्शन होने पर मिलेगा हमें जिंक नाइट्रेट यानी कि जेड एन यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर एनओ थ्री नाइट्राइट इसके दो मोलिक्यूल्स होंगे ज़िंक के साथ है और यहां पर अलग निकल जाएगा हमारा सिल्वर यानी कि आ जाएगा ठीक है इतनी इक्वेशन हमारी हो गई है अब इसको बैलेंस करना है जिंक यहां पर एक एटम एक है यहां पर भी एक एटम एक है जिंक हमारा बैलेंस है सिल्वर को चेक करते हैं सिल्वर यहां पर एक एटम एक है यहां पर भी एक एटम एक है, एक एक है यानी कि सिल्वर भी हमारा बैलेंस है हमें क्या करना है अब नाइट्रोजन को चेक करो ये हमारा नाइट्रोजन रहा एक एटम है यहाँ पर इस साइड में चेक करेंगे तो नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं यानी कि इस साइड में नाइट्रोजन के हमें दो एटम्स करने होंगे उसके लिए इस ए जी एन ओ थ्री के आगे हमें टू पुट करना होगा जैसे ही हम टू पुट करते हैं नाइट्रोजन के टू एटम्स नाइट्रोजन के टू एटम्स नाइट्रोजन बैलेंस हो गया लेकिन नाइट्रोजन के बैलेंस करने के चक्कर में क्या हमने ए जी यानी कि सिल्वर को अनबैलेंस नहीं कर दिया क्या चेक कर लो सिल्वर के यहाँ पर दो एटम्स हैं यहाँ पर एक ही एटम है इस साइड में भी दो एटम कर देते हैं ए के आगे टू लगा देते हैं सिल्वर हमारा बैलेंस हो गया अब ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं जिंक का हमारा अभी भी एक ही एटम है जिंक हमारा अभी भी बैलेंस है ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन के यहाँ पर थ्री टूजा सिक्स एटम्स हैं इस साइड में चेक करेंगे तो ऑक्सीजन के यहाँ पर थ्री टूजा एटम्स यानी कि बी वाले में जो भी हमारी ये केमिकल केमिकल रिएक्शन था इसके लिए हम इक्वेशन हमने लिखी और उसको बैलेंस भी कर दिया है जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं और राइट हैंड साइड में हैं उन सभी एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं आते हैं सी वाले पर इसमें है एल्यूमिनियम प्लस सोपर सॉरी कोपर क्लोराइड होगा ये यहां पर आएगा गाइज हमारा एस की जगह पर सी एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड के साथ तो प्रोडक्ट में मिलेगा हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर सो रिएक्शन लिखते हैं इसका सबसे पहले एल्यूमिनियम यानी कि आ जाएगा हमारा ए एल प्लस में कॉपर क्लोराइड ये हो जाएगा सी यू सी एल टू रिएक्शन होने के बाद बनेगा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि ए एल क्लोराइड हो जाएगा हमारा सी एल एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोरीन के यहाँ पर तीन एटम्स हो होंगे एल्यूमिनियम के साथ जब वो एड होगा इसके बाद प्लस में कोपर हमारा अलग निकल जाएगा यानी कि सी यू यहाँ पर आ जाएगा अब इसको बैलेंस करना है बैलेंस करने के लिए यहां पर देखो एल्यूमिनियम का एक एटम इस साइड में एल्यूमिनियम का एक एटम एक एक एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस है कॉपर को चेक करो यहां पर कॉपर है यहां पर भी कॉपर है एक एक एटम है लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी यानी कि कोपर भी हमारा बैलेंस है बारी आती है यहां पर क्लोरीन की क्लोरीन के दो एटम्स हैं क्लोरीन के तीन एटम्स हैं कैसे बैलेंस करेंगे इसे देखो सीधी सी बात है क्लोरीन के यहाँ पर थ्री एटम्स हैं इस साइड में हम यहाँ पर थ्री लगा देंगे यहाँ पर क्लोरीन के टू एटम्स हैं इसके आगे टू लगा देंगे सो करते हैं यहाँ पर थ्री लगाया यहाँ पर टू लगाया अब इससे एल्यूमिनियम और कॉपर हमारा अनबैलेंस हो गया है उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा देखो एल्यूमिनियम का यहाँ पर कितना है सिर्फ एक एटम है इस साइड में दो एटम है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में भी दो एटम कर दें एल्यूमिनियम के आगे टू लगाकर तो एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस हो गया ठीक है कॉपर को देख लेते हैं कॉपर के यहां पर थ्री एटम्स हैं राइट हैंड साइड में जो कॉपर है इसका सिर्फ एक ही एटम है थ्री एटम्स कर देते हैं इसके यहां पर थ्री लगाकर कॉपर भी हमारा बैलेंस हो गया अब क्लोरीन को चेक कर लेते हैं क्लोरीन के यहां पर दो एटम टू थ्रीजा सिक्स टोटल सिक्स एटम्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर क्लोरीन के थ्री टूजा सिक्स एटम्स यानी कि सी वाले पार्ट में जो भी हमारी ये ये इक्वेशन है भी हो जाती है बेरियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम सल्फेट रिएक्शन होने के बाद बनता है बेरियम सल्फेट प्लस में पोटेशियम क्लोराइड सो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कई बार अब तक यूज कर चुके हैं बी ए सी एल टू प्लस में पोटेशियम सल्फेट होगा हमारा K2SO4, ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम सल्फेट रिएक्शन होने के बाद बेरियम सल्फेट बनेगा यानी कि पर आ जाएगा हमारा पोटेशियम क्लोराइड यानी कि पोटेशियम होता है हमारा के एंड सी एल होता है हमारा क्लोराइड जो भी हमारी ये वर्ड इक्वेशन जो भी ये रिएक्शन था उसके लिए वो यहां पर सिंबल वाली इक्वेशन हमने लिख दी है अब इसको बैलेंस करते हैं देखो बी ए यानी कि बेरियम का एक एटम लेफ्ट हैंड साइड में है एक ही एटम राइट हैंड साइड में है यानी कि बेरियम हमारा बैलेंस है इसके बाद चेक करेंगे पोटेशियम को यहां पर दो एटम्स हैं लेकिन इस साइड में सिर्फ एक ही एटम है इस साइड में दो एटम्स बनाने के लिए के सी एल के आगे हम टू पुट कर देते हैं यहां पर पोटेशियम के दो एटम्स हैं यहां पर भी दो एटम्स हो गए हैं अब क्या करना है आगे हमें क्लोरीन को चेक करना है क्लोरीन के दो एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं क्लोरीन यहां पर है इसके दो एटम्स राइट हैंड साइड में है क्लोरीन भी हमारी बैलेंस हो गई है इसके बाद सल्फर यहां पर देखो गाइज सल्फर का एक एक एटम है दोनों साइड सल्फर भी बैलेंस है ऑक्सीजन के चार एटम यहां पर हैं चार एटम यहां पर हैं दोनों साइड में चार चार एटम्स हैं यानी कि ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस है क्वेश्चन नंबर सेवन में जो भी हमारे केमिकल रिएक्शन थे इनके लिए हमने केमिकल इक्वेशन लिखी उनको बैलेंस किया तो क्वेश्चन नंबर सेवन हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर एट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एट हमारे सामने है इसमें है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस क्वेश्चन नंबर एट में जो भी हमारे सामने रिएक्शन है उसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है और किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ है ये भी हमें बताना है सो so, ए इसमें दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस में बेरियम आयोडाइड लिखते चलते हैं साथ में पोटेशियम होता है पोटेशियम का सिंबल होता है के और ब्रोमेड का होता है गैज बी आर यानी कि हमारा फॉर्मूला बनेगा के बी आर ये रिएक्शन करता है गैस बेरियम आयोडाइड के साथ है बेरियम होता है हमारा गैज बी एंड आयोडाइड यानी कि आयोडीन होता है हमारा आई यहां पर आयोडीन के दो एटम्स होंगे यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है वाइज पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम यानी कि हो जाएगा हमारा के और आयोडाइड यानी कि हो जाएगा हमारा आई पोटेशियम आयोडाइड मिला साथ ही हमें मिला बेरियम ब्रोमाइड बेरियम ब्रोमाइड क्या होगा हमारा बेरियम हो जाएगा बी ए एंड ब्रोमाइड हो जाएगा बी आर इसके दो एटम्स आएंगे जो भी हमने ये केमिकल इक्वेशन लिखी है इनकी फिजिकल स्टेट भी आपको लिख देना है जैसे यहां पर ये एक्वस है ठीक है लिख देते हैं चलो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है उनकी फिजिकल स्टेट भी आपको लिखनी है सो so, ये हमारा है गाइज एक्वस इससे नेक्स्ट ये भी हमारा क्या है एक एक्वस सोल्यूशन है इसी तरह से ये भी हमारा एक्वस है और बी ए बी आर टू ये हमारा हो जाएगा गाइज सोलिड फॉर्म होगा सोल्यूशन के अंदर यानी कि ये रिएक्शन होगा प्रीसीपिटेट रिएक्शन अब इसको बैलेंस करना है बैलेंस करने के लिए गाइस यहां पर चेक करो पोटेशियम यानी कि के एक एटम है इस साइड में भी एक ही एटम है पोटेशियम हमारा पहले से बैलेंस है अब बारी आती है बेरियम की बेरियम का एक एटम है यहां पर भी बेरियम का एक ही एटम है तो बेरियम भी हमारा बैलेंस है इसके बाद यहां पर गए ब्रोमीड की बारी आती है ब्रोमीड का यहाँ पर एक एटम है इस साइड में चेक करेंगे तो ब्रोमीड के हमारे पास दो एटम हैं यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा ये है इसको हमें दो करना होगा इसके दो एटम चाहिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि राइट हैंड साइड में दो एटम्स हैं तभी ब्रोमाइड हमारा बैलेंस होगा उसके लिए क्या करना होगा के बी आर के आगे हमें टू लगाना होगा जैसे ही हमने टू लगाया जो हमारा ब्रोमीड है उसके दो एटम्स हो गए ब्रोमीड के हमारे यहाँ पर दो एटम्स हो गए अब पोटेशियम अनबैलेंस हो गया पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर पोटेशियम के हमारे के के दो एटम्स हैं लेकिन यहाँ पर के का सिर्फ एक ही एटम है पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम टू लगाएंगे अब चेक करो गाइज पोटेशियम के दो एटम्स पोटेशियम के दो एटम पोटेशियम हमारा बैलेंस है बी यानी कि बेरियम बेरियम दोनों तरफ हमारे एक एक एटम्स हैं बेरियम बैलेंस है इसके बाद यहाँ पर ब्रोमिड के दो एटम्स यहाँ पर ब्रोमेड के दो एटम्स भी हमारा बैलेंस है इससे नेक्स्ट हमारा आयोडीन आता है आयोडीन के यहाँ पर दो एटम्स हैं और ये हमारा आयोडीन है इसके भी दो एटम्स हैं इक्वेशन हमने लिखी उसको बैलेंस हमने किया अब ये रिएक्शन किस टाइप का है टाइप ऑफ रिएक्शन भी हमें बताना है तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर पोटेशियम है इसने क्या किया बी ए आई टू बेरियम आयोडाइड में से बेरियम को हटा के खुद आयोडीन के साथ जुड़ गया यानी कि इसने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और इस बेरियम ने क्या किया के बी आर में से के को हटा दिया खुद ब्रोमीन के साथ खुद ब्रोमाइड के साथ जुड़ गया यानी कि यहाँ पर जो हमारा पोटेशियम है उसने बी ए को डिस्प्लेस किया और बी ए ने पोटेशियम यानी कि के को डिस्प्लेस किया डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो रिएक्शन का टाइप हो जाएगा टाइप ऑफ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी हमारा ये रिएक्शन है इसकी केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी और ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है ये भी हमने यहां पर लिख दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाते हैं नेक्स्ट यानी कि बी वाले पर इसमें जिंक कार्बोनेट है जिंक कार्बोनेट को हीट किया जाता है गाइज जब जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो डिवाइड होता आता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में सो so यहां पर क्या होगा इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी जिंक कार्बोनेट यानी कि जेड एन कार्बोनेट होता है हमारा सी ओ थ्री ये हमारा सॉलिड है तो यहां ब्रैकेट लगा के एस लिख देंगे एरो लगा देंगे जब इसको हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड में ये चेंज होता आता है जिंक ऑक्साइड हो जाएगा गाइज हमारा जेड एन ओ, ये भी हमारा एक सॉलिड बनेगा इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाती है यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा CO2 टू जो कि गैस होगा इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई है अब इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा बैलेंस करने के लिए जिंक से शुरू करेंगे जिंक का एक एटम जिंक का एक एटम जिंक बैलेंस है इसके बाद कार्बन का एक, एक एटम कार्बन का एक एटम कार्बन बैलेंस है ऑक्सीजन के यहां पर थ्री एटम्स ऑक्सीजन के यहां पर टू प्लस वन थ्री एटम्स यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है बात है कौन से टाइप का ये रिएक्शन है तो आप देख सकते हो रिएक्टेंट में हमारे पास एक ही सब्सटेंस है रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस है उसको हीट किया तो वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गया इस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है गाइज डी रिएक्शन सो यहां पर लिख देंगे टाइप ऑफ रिएक्शन रिएक्शन है यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही सब्सटेंस है जब उसको हीट करेंगे तो वो दो अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है डीकम्पोज हो जाता है तो ये हो जाएगा हमारा डीकम्पोज रिएक्शन क्वेश्चन नंबर के ए और बी वाले पार्ट को हमने इस वाले पेज पर कंप्लीट कर लिया है सी और डी भी है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर एट का सी पार्ट है इसमें हाइड्रोजन है रिएक्शन करता है ये क्लोराइड यानी कि क्लोरीन के साथ है, बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड है सो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है गैस हमारा H2 जो कि ये गैस होगा इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे ये हमारा क्लोराइड है यानी कि Cl2 होगा ये भी हमारी एक गैस है रिएक्शन होने पर बनता है गैस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि एच सी एल जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है ये हमारा फॉर्म में होगा सो so पर जो भी इक्वेशन है वो हमने लिख दी है अब इसको बैलेंस करेंगे उसके बाद किस टाइप का रिएक्शन है ये भी देखेंगे हाइड्रोजन के दो एटम्स हाइड्रोजन का एक एटम दो करने होंगे तो यहाँ पर हम टू लगा देंगे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है दोनों तरफ दो दो एटम्स हो गए हैं क्लोरीन के दो एटम्स हैं क्लोरीन का यहाँ पर दो एटम है क्लोरीन के भी दो एटम हो गए दोनों तरफ तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है अब किस टाइप का रिएक्शन है ये समझो यहां पर एक रिएक्टेंट ये रहा दूसरा रिएक्टेंट ये रहा दो रिएक्टेंट हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ हमारा एक ही है दो प्रोडक्ट सॉरी दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन सो यहां पर लिख देंगे गाइस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो रिएक्टेंट हैं एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो सी वाला हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाते हैं डी वाले पर इसमें है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं लिखते हैं इसको साथ साथ में मैग्नीशियम यानी कि हो जाएगा हमारा एम जो कि ये सोलिड है सॉरी सो यहां पर मैंने गैस लिख दिया है ये हमारा एस यानी कि सोलिड है इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है यहाँ पर आ जाएगा हमारा एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे है एक्वस फॉर्म में है यानी कि यह हमारा लिक्विड के अंदर बना हुआ है रिएक्शन होता है मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा एम जी क्लोराइड हो जाएगा हमारा गाइज सी एल टू ये हमारा गैस हो जाएगा एक्वस इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे आगे आएगा हमारा हाइड्रोजन गैस इसमें निकल जाती है तो यहाँ पर लिखेंगे एच टू ये हमारी गैस बाहर निकल जाती है यहाँ से ऊपर आ जाते हैं हाइड्रोजन गैस इसी रिएक्शन में निकल गई इक्वेशन हमने लिखी अब इसको बैलेंस करेंगे मैग्नीशियम का एक, एक एटम मैग्नीशियम का एक एटम दोनों तरफ एक एक एटम है मैग्नीशियम बैलेंस है हाइड्रोजन का चेक करेंगे यहाँ पर एक एटम है इस साइड में दो एटम है तो हमें यहाँ एच के आगे टू लगाना होगा हाइड्रोजन के दो एटम हैं, हाइड्रोजन के दो एटम हैं, हाइड्रोजन बैलेंस है क्लोरीन का यहाँ पर दो एटम हैं, क्लोरीन के यहां पर दो एटम है क्लोरीन भी बैलेंस हो गया इक्वेशन बैलेंस हुई किस टाइप का रिएक्शन है ये समझो देखो मैग्नीशियम ने क्या किया HCl में से H यानी कि हाइड्रोजन को भगा दिया डिस्प्लेस कर दिया यानी कि ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सो so, लिख देंगे टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैग्नीशियम ने HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो D वाला हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्वेश्चन नंबर एट में जो भी रिएक्शन थे हमने उनको इक्वेशन में लिखा उनको बैलेंस किया और किस टाइप का रिएक्शन है ये भी हमने बता दिया तो क्वेश्चन नंबर एट हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर के लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास है इसमें है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस गिव एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है एग्जांपल के साथ हमें बताना है तो चैप्टर वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन वो रेख्षन होता है जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट एनर्जी देनी पड़े तो उस रिएक्शन को कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों का आंसर जो भी बोला है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वही लिखेंगे एग्जाम्पल भी रखेंगे सो so, सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं इसमें है products, बनने के साथ साथ हीट भी मिल जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं एग्जाम्पल में हो जाएगा बर्निंग ऑफ नैचुरल गैस नेचुरल गैस जो होती है हमारी गाय सी एच ए फोर इसको बर्न किया जाता है बर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी होती है ऑक्सीजन सो तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर हमें मिलेगा सी ओ टू और साथ में मिलेगा हमें एच टू ओ यानी कि वोटर ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर जो भी हमारा सी एच फोर है ये गैस होता है ओ टू है ये भी हमारा गैस होता है सी ओ टू है ये भी हमारा गैस होता है एच टू ओ ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में ही होता है अब जो भी इक्वेशन है इसको बैलेंस भी करना है बैलेंस करने के लिए देखो कार्बन यहां पर एक, एक, एक एटम यहां पर भी एक, एक एटम कार्बन पहले से बैलेंस है हाइड्रोजन के फोर एटम्स हैं हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O के आगे यहां पर लगा दिया हमने हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर फोर एटम्स हो गए यहाँ पर फोर एटम ऑलरेडी हैं तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन के टू एटम प्लस ऑक्सीजन के टू एटम यानी कि राइट हैंड साइड तो में ऑक्सीजन के फोर एटम्स हैं यहां पर फोर करने के लिए ऑक्सीजन के आगे टू लगा देंगे यहां पर क्या हुआ गए जब हमने सी एच फोर को बर्न किया बर्न करने पर क्या होता है हीट मिलती है और प्रोडक्ट भी साथ में बनते हैं यानी कि यहां पर हमें हीट भी मिलेगी अगर हमें हीट मिलती है तो ये किस तरह का रिएक्शन हो जाएगा गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन आगे नेक्स्ट यहां पर है रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब एज आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन है ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए यानी कि एनर्जी देनी पड़े रिएक्शन कराने के लिए उसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ सकती है जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिज ऑफ वॉटर को करते हैं इसके अलावा हीट एनर्जी देनी पड़ सकती है या फिर लाइट एनर्जी की भी जरूरत हो सकती है इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पर आएगा गाइज हमारा ओ टू प्लस में आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन यानी कि एन टू दोनों को रखेंगे ठीक है दोनों को इकट्ठा करेंगे और इनको हीट किया जाएगा दोनों को जब हीट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गैस एन ओ यानी कि नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड ऑक्सीजन का यहां पर सिर्फ एक ही एटम है तो कहेंगे नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड अब जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है इनकी स्टेट भी लिख देते हैं साथ में ये होगी हमारी गैस ये भी होगी हमारी गैस ये भी होगी हमारी गैस और बैलेंस भी कर देते हैं ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं यहाँ पर सिर्फ एक है दो बनाने के लिए एनओ के आगे यहां पर टू लगा दिया जाएगा अब उसके बाद नाइट्रोजन के टू एटम्स नाइट्रोजन के टू एटम्स नाइट्रोजन भी हमारी बैलेंस हो गई है सो सिंपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट रिलीज हो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट देनी पड़े एनर्जी देनी पड़े उसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें यही दो चीजें बतानी थी एग्जाम्पल के साथ हमने सभी चीजें कंप्लीट कर दी हैं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन हमारे पास है इसमें है वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया जो हमारी बॉडी में होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कैसे है एक्सोथर्मिक रिएक्शन यही हमें एक्सप्लेन करना है तो आपको बता दूं हम फूड से ग्लूकोज लेते हैं फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है इस केमिकल रिएक्शन को समझें जो भी हमारा ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जाता है ठीक है सी एच सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये हमारा गए ग्लूकोज सेल के अंदर है ये ठीक है ये हमारा ग्लूकोज गया उसके बाद हमने ऑक्सीजन अपनी नोट से इनहेल की वो भी कहाँ तक जाती है सेल्स तक जाती है सो ग्लूकोज रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ जो हम इनहेल करते हैं दोनों ये रिएक्शन करते हैं तो बनता है गाइज सी ओ टू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल कर देते हैं अपनी नाक से बाहर निकाल देते हैं साथ ही बनता है एच टू ओ यानी कि वॉटर जो हमारी बॉडी यूज कर लेती है इसके साथ साथ गाइज बनती है एनर्जी हीट एनर्जी होती है जनरेट तो ये कैसा रिएक्शन हुआ जिसमें हमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एनर्जी भी मिल जाए हीट एनर्जी भी मिल जाए तो ये रिएक्शन होगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन अब एग्जैक्ट क्या चीजें हैं वो यहां पर लिखी गई हैं ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना सो so यहां पर आंसर में है रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज यहां तक तो क्वेश्चन से ही है वेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी ग्लूकोज जो होता है जो हमें फूड से मिलता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनने के साथ साथ प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो बाहर निकाल देते हैं और एच टू हमारी बॉडी यूज कर लेती है पानी का इस्तेमाल कर लेती है तो हमारी ये दोनों प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एनर्जी भी बनती है तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी बने जिसमें हीट बने उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जो भी हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है वो हीट जनरेट करता है इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा गया है ये सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गई और इसका रिएक्शन भी हमने यहां पर आपको लिख दिया है सो क्वेश्चन नंबर टेन हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर इलेवन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर इलेवन हमारे पास है इसमें है वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिएक्शन राइट इक्वेशन रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं कैसे होते हैं ये हमें बताना है और इनके लिए हमें केमिकल इक्वेशंस भी लिखनी है यानी कि एग्जांपल भी हमें देके बताना है सो तो आपको पता होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट होता है रिएक्शन होने के बाद वो कई सारे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है बात करें अगर हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तो उसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्शन होने के बाद सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है तो बिल्कुल दोनों अपोजिट हुए यही यहां पर लिखा गया है इन इनडिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल सब्सटेंस एक सिंगल सब्सटेंस रिएक्टेंट में होता है जो डीकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज्यादा में वही कॉम्बिनेशन की बात करें तो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर कंबाइन है दो या दो से ज्यादा हैं हैं जो कंबाइन हो जाते किसी एक नए सिंगल सब्सटेंस में तो इसे कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एक दूसरे के अपोजिट ही तो हुए एक जहां पर हमारे पास एक सब्सटेंस है वो दो या दो से ज्यादा डिवाइड में डिवाइड हो जाता है जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं वहीं बिल्कुल इसका उल्टा हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं रिएक्शन होने के बाद एक प्रोडक्ट में तो ये होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन इनके एग्जांपल्स के देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है ग एक सेकेंड रुकना इसे छोटा करते हैं इधर से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट इसको हीट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एक सिंगल सब्सटेंस है रिएक्शन होने के बाद ये डिवाइड हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और सीओ टू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं एक सिंगल सब्सटेंस से इसी तरह से बिल्कुल इसका अपोजिट देखो क्या होगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें है हमारे पास है सी ए ओ यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में है एच टू ओ दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यहां पर क्या था एक रिएक्टेंट था दो प्रोडक्ट थे यहां पर क्या है दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है तो जो भी हमारा डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये किस तरह से एक दूसरे का अपोजिट है इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन हुआ हमारा कंप्लीट ट्वेल्व के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है इसमें दिया है राइट एन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी डीकंपोजिशन तीन तरह से होता है हीट से लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से तीनों के लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है या फिर ये भी कह सकते हैं

प्लस में CO2 टू गैस इसमें से निकल जाएगी ये हमारा गैस है सोलिड होगा सी ए ओ भी हमारा सोलिड होगा एंड सी ओ टू ये हमारी गैस होगी ये एग्जाम्पल लिखा हमने हीट के लिए हीट से किस तरह से डिकम्पोजिशन होता है जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसको बैलेंस भी कर लेना है यहां पर देखो सी ए है यहां पर भी सी ए का एक ही आइटम है दोनों साइड में सी हमारा बैलेंस हो गया कैल्शियम हमारा बैलेंस हो गया कार्बन को चेक करेंगे यहां पर कार्बन का एक एटम यहां पर भी कार्बन का एक एटम यहां पर ऑक्सीजन के थ्री एटम्स हैं दो यहां पर एक यहां पर यानी कि राइट हैंड साइड में भी हमारे तीन एटम्स हैं यानी कि ये वाली इक्वेशन हमारी हो जाती है बैलेंस है. हीट का हमने एग्जाम्पल लिख दिया लिखेंगे अब लाइट का सो so, लाइट के लिए यहां पर मैं लिखता हूं ए जी सी एल टू यानी कि सिल्वर क्लोराइड इसको लाइट में रखा जाएगा सनलाइट में सो so, एरो के ऊपर यहां पर लिखा जाएगा सन लाइट सनलाइट में इसको रखेंगे तो जो ए जी है हमारा वो ऐसा का ऐसा रहेगा जो कि होता है हमारा सोलिड ए जी सी एल भी हमारा होता है गाइज सोलिड सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एस जो क्लोरीन गैस है ना ए जी में से वो निकल जाएगी सनलाइट की वजह से सो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा सी एल ये गैस बनके निकल जाएगी गए से सी एल टू लिखा जाएगा जो भी हमारी इक्वेशन है इसको बैलेंस भी कर लेंगे चेक कर लेते हैं एक हमसे छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है क्लोरीन के गए से यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम होता है यहाँ पर ये टू नहीं आएगा हमारी ये इक्वेशन हो गई है सनलाइट से डिकम्पोजिशन कैसे होता है उसका एग्जाम्पल हो गया है अब इसको बैलेंस करेंगे यहां पर गए सिल्वर का एक एटम यहां पर भी सिल्वर का एक एटम सिल्वर हमारा बैलेंस है बात करेंगे यहां पर क्लोरीन की क्लोरीन का एक एटम इस साइड में क्लोरीन के दो एटम है क्लोरीन के दो एटम ही हमें यहाँ पर चाहिए यानी कि AgCl के आगे टू लगा देंगे यहाँ पर Ag के भी दो एटम्स हो, हो गए हैं तो इस साइड में भी जो हमारा Ag यानी कि सिल्वर है इसके दो एटम कर देंगे यानी कि इसके आगे टू लगा देंगे इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई सनलाइट से डीकम्पोजिशन के लिए एग्जाम्पल हमने लिख दिया अब बारी आती है किसकी इलेक्ट्रिसिटी से डीकम्पोजिशन कैसे होता है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गाइज कई बार बताया गया है आपको यहां पर लिखेंगे गाइज एच टू ओ इसमें से हम पास करेंगे गाइज इलेक्ट्रिसिटी सो यहां पर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी वोटर से पास करेंगे तो जो भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो अलग अलग हो जाएगी सो so, यहां पर आ जाएगा हमारा एच टू जो कि हमारा गैस होगा प्लस में ऑक्सीजन आ जाएगा ओ टू जो ये भी हमारा गैस होगा एक सेकेंड गाइज दोनों गैस हमें मिलेंगी यहां पर ठीक है यहां पर हमारा एच टू ओ ये वाला कंपाउंड जो है यह हो जाएगा हमारा लिक्विड वाटर क्या होता है लिक्विड तो यहां पर एल लिख दिया जाएगा अब जो भी हमारी केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस करने बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हो ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं यहां पर एक है इसके आगे यहां पर टू लगाया जाएगा यहां पर टू लगाया जाएगा तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी हमने क्या किया जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हीट से उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखी सनलाइट से होता है उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखी और इलेक्ट्रिसिटी से होता है उसके लिए भी केमिकल इक्वेशन लिख दी है यही हमें क्वेश्चन नंबर में करना था क्वेश्चन नंबर हुआ कंप्लीट थर्टीन हमारे सामने है इसमें है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएशन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो डिफरेंस है वो हमें बताना है आंसर so में हो जाएगा वेन एन एलिमेंट अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से वेयर एज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है आयंस का एक्सचेंज होता है आयंस इधर उधर चले जाते हैं कंपाउंड के आयंस चेंज हो जाते हैं सो so, इनके लिए यहां पर लिखेंगे हम simple, simple, है, की और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे गाइजे सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी यहां पर लिखा गया है उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया अब इनके लिए केमिकल इक्वेशन भी लिखते हैं रिएक्शन की सो so, सबसे पहले यहां पर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे यहां पर जेड यानी कि जिंक ये रिएक्शन करता है कॉपर कम रिएक्टिव होता है तो जिंक क्या करेगा इस कॉपर को यहां से हटा देगा सल्फेट से हटा देगा भगा देगा तो रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा ZnSO4 हमारा सी यू यानी कि कोपर अलग निकल जाएगा जिंक ने क्या किया यहां पर कोपर को सल्फेट सोल्यूशन से हटा दिया डिस्प्लेस कर दिया, तो यह हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बैलेंस भी करना है बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हो यहां पर जिंक है यहां पर भी जिंक है जिंक बैलेंस है कॉपर को चेक कर लो कॉपर भी हमारा बैलेंस है सल्फर भी हमारा बैलेंस है ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है डिस्प्लेसमेंट so, रिएक्शन हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर आ जाते हैं इसमें आ जाएगा हमारा Na2SO4 यहां पर मैंने लिखा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट ये रिएक्शन करेगा बी हमारा BaCl यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ तो प्रोडक्ट में क्या होगा यहां पर देखो गाइज क्या होगा ये समझ लो यहां पर सल्फेट है हमारा यहां पर क्लोरीन है ये चेंज हो जाएंगे ये आयंस हैं यहां पर देखो एक साइड में लिख देता हूं मैं आपके लिए SO4 ये हमारा एक आयन है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है क्लोरीन है इस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है जो भी सोडियम है और बेरियम है ये इन आयंस को बदल लेंगे यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सोडियम किसके साथ चला जाएगा क्लोरीन के साथ और जो हमारा बेरियम है ये चला जाएगा सल्फेट के साथ प्रोडक्ट में मिलेगा हमारा BaSO4 प्लस में मिलेगा हमें यहां पर सोडियम और क्लोरीन साथ में यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा एन ए सी एल अब जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसको बैलेंस करेंगे यहां पर आप देख सकते हो बैलेंस करने से पहले यहां पर जो हमारा ये क्लोरीन है बेरियम के साथ इसके दो एटम्स होते हैं फॉर्मूला होता है हमारा बी ए सी एल टू सो अब बैलेंस करेंगे यहां पर सोडियम के दो एटम्स हैं इस साइड में सोडियम के कितने एटम्स हैं सिर्फ एक ही एटम है राइट साइड में भी हमें दो एटम्स करने हैं तो यहां पर टू लगा दिया जाएगा सोडियम के दो एटम इस साइड में भी सोडियम के दो एटम यानी कि सोडियम बैलेंस हो गया अब बेरियम बेरियम यहां यहां पर है। यहां पर है है दोनों जगह पर राइट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह पर बेरियम के एक एक एटम है यानी कि बेरियम हमारा बैलेंस है इसके बाद यहां पर देखो सल्फर का एक एटम सल्फर का एक, एक एटम सल्फर बैलेंस है ऑक्सीजन के फोर एटम ऑक्सीजन के फोर एटम ऑक्सीजन बैलेंस है Then हमारा क्लोरीन है इसके दो एटम्स हैं। यहां पर क्लोरीन है इसके भी दो एटम्स हैं, यानी कि क्लोरीन भी हमारा बैलेंस है यहां पर हमने जो भी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसको एक्सप्लेन कर दिया इनके लिए रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन भी लिख दी है तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन हो जाता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर

उसकी केमिकल इक्वेशन यहां पर हमें लिखनी है कॉपर मेटल से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया जाता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से सिल्वर अलग निकल जाता है चांदी अलग निकल जाती है रिफाइन हो जाती है सो जो भी हमारा ये रिएक्शन है ये हमें लिखना है और रिएक्शन किस तरह से शो किया जा सकता है रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से यानी कि इसके आंसर में हम डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्राइट क्या होगा हमारा ए यानी कि सिल्वर नाइट्रेट इसका सोल्यूशन है यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक्वस इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे ही इसमें क्या डाला जाता है कॉपर मेटल जिसके साथ ये रिएक्शन करता है कॉपर यानी कि Cu यू यहां पर ये होगा सोलिड फॉर्म में ये डाला जाता है रिएक्शन होता है रिएक्शन होने के बाद मिलेगा क्या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा कम रिएक्टिव मेटल को डिसप्लेस कर देगा उसी के सोल्यूशन में से सो कॉपर यहाँ पर ए की जगह ले लेगा और कंपाउंड बनेगा हमारा प्रोडक्ट में सी यू एन ओ थ्री प्लस में यहां पर एनओ थ्री टू मोलिक्यूल्स होंगे कॉपर के साथ इसके सी यू एन ओ थ्री टू प्लस में आ जाएगा हमारा गाइज यहां पर ए यानी कि सिल्वर सिल्वर को किस तरह से रिफाइन किया जाता है जो भी सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसमें कॉपर डाल दिया जाता है कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है उसके नाइट्रेट सॉल्यूशन में से अलग निकाल देता है तो हमें सिल्वर मिल जाता है प्योर फॉर्म में ये रिएक्शन होता है गाइज अब ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं ये भी हमें चेक करना होगा बैलेंस करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पर सिल्वर से एजी का एक एटम ए का एक एटम यानी कि सिल्वर हमारा बैलेंस है इसके बाद यहां पर कॉपर को चेक करेंगे कॉपर का एक, एक एटम यहां पर भी कॉपर का एक एटम यानी कि कॉपर भी हमारा बैलेंस है कॉपर के बाद यहां पर चेक करेंगे गैस नाइट्रोजन को ये हमारा नाइट्रोजन है इसका एक एटम तो यहां पर है लेकिन इस साइड में ब्रैकेट के बाहर टू लिखा है यानी कि इस नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं यहां पर इस साइड पे भी हमें दो करने होंगे यानी कि ए के आगे हम टू लगा देंगे जैसे ही हमने टू लगाया नाइट्रोजन के दो एटम्स यहां पर हो गए नाइट्रोजन के दो एटम्स यहां पर हो गए नाइट्रोजन बैलेंस हो हम टू लगाएंगे सिल्वर के आगे टू लगाएंगे सिल्वर के दो एटम्स सिल्वर के दो एटम्स सिल्वर बैलेंस फिर से हमने कर दिया नाइट्रोजन के दो एटम्स नाइट्रोजन के दो एटम्स नाइट्रोजन बैलेंस हो गया ऑक्सीजन यहां पर थ्री मल्टीप्लाई में टू यानी ऑक्सीजन है थ्री ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में से सिल्वर किस तरह से प्राप्त किया जाता है इसके लिए रिएक्शन होगा ये वाला यही हमें लिखना था क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हुआ कंप्लीट फिफ्टीन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन हमारे रिएक्शन है, है, एक्सप्लेन जिसमें गशन बनता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो लिक्विड के अंदर ही अमर्ज होता है सोलिड की तरह होगा ये अगर इस तरह का रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को कहेंगे प्रीसिपिटेशन रिएक्शन यहां पर हमारे पास दिया है आंसर में द रिएक्शन इन विच आप प्रिसिपिटेट

हमारा सोडियम सल्फेट यानी कि एन ए टू एस ओ फोर रिएक्शन होगा यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद ये भी हमारा क्या है कि एक एक्वस सोल्यूशन है सो यहाँ पर लिख देते हैं ये हमारा एक्वस है रिएक्शन होगा रिएक्शन होने के बाद क्या होगा बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गैज बी ए सी एल प्लस में सॉरी यहाँ पर आएगा हमारा सोडियम क्लोराइड तो यहाँ पर आएगा हमारा एन यानी कि सोडियम क्लोराइड ये हमारा गाइज लिक्विड होगा या फिर एक्वस कहेंगे इसे ये हमारा होगा एक्वस एंड जो हमारा साथ में इसके बनेगा वो हो जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट ये होगा हमारा प्रीसीपिटेड जो कि एक सोलिड होता है सो तो यहां पर आ जाएगा हमारा बी एसओ फोर यहां पर लिख देंगे इसके आगे सोलिड अपनी वीडियो को थोड़ा सा नीचे करता ओके यहां पर क्या हुआ सोडियम क्लोराइड बन गया रिएक्शन होने के बाद इसके साथ ही बी ए एस ओ फोर यानी कि बेरियम सल्फेट बना इस रिएक्शन में देखो यहाँ पर एक्व सोल्यूशन है यहां पर एक्व सोल्यूशन है रिएक्शन होने के बाद बी ए एस ओ फोर सोलिड बनता है ये इन सब्सटेंस बना है एक्व सोल्यूशन में तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसे कहेंगे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है एग्जाम्पल भी हमने दे दिया तो लास्ट में एक लाइन और लिख देनी है इन दिस रिएक्शन वाइट प्रिस्पिटेट बी एस ओ फोर इज फॉर्मड ये वाइट प्रिसिपिटेट बनेगा इस रिएक्शन में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में हमने समझा एग्जाम्पल लिया फिफ्टीन हो जाता है हमारा कंप्लीट सिक्सटीन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर इसमें है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी हमारी ये टर्म्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसमें ऑक्सीजन का गेन और लॉस क्या होता है किस तरह से होता है दो दो एग्जाम्पल्स हमें देने हैं हर एक के लिए ऑक्सीडेशन के लिए भी और रिडक्शन के लिए भी सो so, सबसे पहले ए यानी कि ऑक्सीडेशन को समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है हमें दिया है ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन कहा जाएगा या फिर उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन हट जाए तो भी ऑक्सीडेशन ही कहा जाएगा दो एग्जाम्पल देने हैं एक एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर लिखा गया है यहां पर हमारे पास कॉपर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है बन जाता है कॉपर ऑक्साइड अकेला यहां पर कॉपर है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है रिएक्शन होने के बाद बन जाता है कॉपर ऑक्साइड पहले और बाद में डिफरेंस क्या आया ऑक्सीजन साथ में उसके जुड़ गई यानी कि यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे यहां पर हमें दिया भी है इन दिस कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू बिकम कॉपर ऑक्साइड कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है और बन जाता है कॉपर ऑक्साइड ये सिंपल सा रिएक्शन हो गया हमें दो एग्जाम्पल देने हैं एक तो लिखा है आपके सामने एक में दे देता हूं यहां पर लिखेंगे गाइज एम मैग्नीशियम रिएक्शन होगा गाइज इसका ओ यानी कि ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलेगा गाइज एम यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम के आगे टू लगाना होगा और यहां पर टू लगाना होगा इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है यहां पर क्या हुआ हमारे पास मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि जो भी हमारा ये मैग्नीशियम है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ने पर तो यहां पर लिख देंगे मैग्नेशियम ऑक्सीडाइज टू एम जी ओ यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीडेशन को हमने समझा ऑक्सीजन एड होगी तो ऑक्सीडेशन कहा जाएगा दो एग्जाम्पल भी हमने ले लिए बात करते हैं रिडक्शन की बिल्कुल उल्टा होता है ये ऑक्सीडेशन का सो so, रिडक्शन में दिया है रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट जाए तो उसे रिडक्शन कहेंगे किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो भी उसे कहेंगे रिडक्शन इसका एक एग्जांपल तो हमारे सामने है CuO यहां पर है कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करता है ये H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ तो बनता है यहां पर Cu यहां पर सी यू ओ था ऑक्सीजन साथ में थी लेकिन ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन ने इसका साथ छोड़ दिया ऑक्सीजन अगर हट गई है तो यहां पर कोपर का क्या हुआ सॉरी कोपर ऑक्साइड का क्या हुआ रिडक्शन हुआ कोपर का नहीं लिखेंगे कोपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और बन गया यहां पर कॉपर यही चीज हमें यहां पर लिख देनी है इन दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू बिकम कॉपर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और बन गया को पर एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको यहां पर लिखूंगा मैं जेड यानी कि जिंक ऑक्साइड ये रिएक्शन करेगा गाइज C यानी कि कार्बन के साथ तो हमें मिलेगा यहां पर ZN plus में बनेगा कार्बन मोनो ऑक्साइड यानी कि सी ओ इस रिएक्शन में क्या हुआ हमारे पास जिंक ऑक्साइड था ऑक्सीजन इसके साथ में थी रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ ऑक्सीजन इससे हट गई यानी कि जिंक ऑक्साइड का यहां पर हो गया रिडक्शन है ऑक्सीजन हटी तो रिडक्शन हो गया और यहाँ पर जो हमारा कार्बन था ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ गई ये कह सकते हैं हम कि इस कार्बन का यहाँ पर हो गया है ऑक्सीडेशन जिंक का हो गया है रिडक्शन क्योंकि जिंक से ऑक्सीजन हट गई और कार्बन के साथ जुड़ी है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और जिंक बन गया सो so, यहाँ पर लिख भी देंगे हम जेड एन ओ रिड्यूज टू जेड एन जिंक ऑक्साइड रिड्यूज होके बन गया जिंक ऑक्सीडेशन क्या होता है रिडक्शन क्या होता है दो दो एग्जाम्पल के साथ हमने क्वेश्चन नंबर में समझ लिया सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर हो जाता है कंप्लीट सेवनटीन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इसमें है अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर नेम एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर कंपाउंड एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है है एक्स एक्स नाम दिया गया है। अगर उसको हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो वो चेंज कर लेता है अपना कलर ब्लैक ब्राउन से ब्लैक हो जाता है एयर की प्रेजेंस में जब उसको हीट किया जाता है एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है कौन सा ऐसा एलिमेंट है उसका हमें नाम बताना है और जो भी कंपाउंड बनता है उसको को हीट करने के बाद उसका नाम भी हमें बताना है केमिकल इक्वेशन ही हम लिख देंगे सो यहाँ पर जो भी हमारा एलिमेंट एक्स होगा ब्राउन कलर का है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ब्लैक में चेंज हो जाए ऐसा तो होता है हमारा कॉपर सो आंसर में लिखेंगे element x is यहां पर लिख दिया जाएगा गाइस कॉपर कॉपर हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कलर शाइनी ब्राउन होता है ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होता है तो वो चेंज हो जाता है ब्लैक कलर में सो so यहां पर element x is a copper and the black colored compound formed is जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा ये भी समझ लो देखो गाइस सिंपल है सी यू यानी कि कॉपर है इसको हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में तो ये ओ टू यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा रिएक्शन होने के बाद बन जाएगा सी यू ओ यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो भी हमारी ये केमिकल इक्वेशन बनी है इसको बैलेंस करने के लिए कॉपर के आगे टू लगाना होगा यहां टू लगाना होगा इक्वेशन भी हमने बैलेंस कर दी है तो जो कंपाउंड बना है रिएक्शन होने के बाद ब्लैक कलर का कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड है ये भी हमें बताना है तो यहां पर है एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्मड इज सी यू ओ या फिर यहां पर यह भी लिख सकते हैं कोपर ऑक्साइड इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है कॉपर ऑक्साइड हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा जब कोपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है सेवनटीन क्वेश्चन में जो एक्स एलिमेंट था हमारा उसका नाम हमें बताना था जो हो जाएगा हमारा कॉपर और जब वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा वो भी हमें बताना था वो हो जाएगा हमारा कोपर ऑक्साइड क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कंप्लीट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पेज पर पर क्वेश्चन नंबर 18 और 19 एक ही पर हमने लिख दिए हैं सो so, 18 में है वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आइटम्स जो भी आयरन का सामान होता है आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उन पे हम पेंट अप्लाई करते हैं क्यों अप्लाई करते हैं ये हमें आंसर करना है तो आपको पता होगा जो भी आयरन है आयरन का कोई भी सामान है अगर वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में रहेगा तो वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है गलना स्टार्ट हो जाता है अगर उसको रस्टिंग से बचाना है तो उसको पेंट अप्लाई करेंगे ताकि वो एयर और मॉइस्चर दोनों के कॉन्टेक्ट में ना आए यही हमें आंसर लिखना है खुद से भी बना के आप अपना आंसर लिख सकते हो सो तो आंसर में आ जाएगा आयरन आइटम्स आर पेंटिड टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग आयरन को पेंट किया जाता है rusting से बचाने के लिए बाई पेंटिंग दैम अगर उनको पेंट कर दें देर कॉन्टैक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ पेंट करने पर क्या होगा जो भी मॉइस्चर और एयर के साथ उसका कॉन्टैक्ट होता है वो कट हो जाएगा पेंट उसको एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगा सो इजी सा आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एटीन के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पर इसमें है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर विद नाइट्रोजन वाई जो भी हमारे चिप्स वगैरह पैक होते हैं पैकेट में जिसमें भी ऑयल और फैट होता है कुछ भी ऐसा फूड उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है क्यों की जाती है आंसर हमें करना है सो इसका सिंपल सा आंसर होगा नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव गैस होती है वो फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है काम करती है वो एंटीऑक्सीडेंट का यही हमें आंसर में लिखना है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स विद नाइट्रोजन बिकॉज यहाँ तक तो क्वेश्चन से ही है नाइट्रोजन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन क्या है एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है यानी कि उसको खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है एंड इट प्रिवेंट देम फॉर बिंग ऑक्सीडाइज उस खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है अगर खाना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा सो so, नाइट्रोजन एक एकमात्र ऐसी नॉन रिएक्टिव गैस है जिसका यूज किया जाता है फूड आइटम्स को पैक करने पैक करने के लिए लंबे समय तक पैकेट लिया उसमें थोड़े से चिप्स डाल के बहुत सारी नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं जो उन चिप्स को सुरक्षित रखती है आपको कभी भी आपको बहुत बार बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसमें सिर्फ हवा ही मिलती है चिप्स नहीं मिलते अगर हवा नहीं होगी तो वो चिप्स पैकेट के अंदर खराब हो जाएंगे ये एक साइंटिफिक थ्योरी है गाइज सो हवा होना भी जरूरी है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको चिप्स से भर दें और हवा उसमें हो ही ना तो वो खराब हो जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा नाइट्रोजन गैस भी उसमें ज़रूरी है क्वेश्चन नंबर 18, 19 दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है मूव करते हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पर फाइनली एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हमारे सामने है इस क्वेश्चन को करने के बाद वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे एक्स्ट्रा चैप्टर नंबर नंबर के सो क्वेश्चन ट्वेंटी को देख लेते हैं इसमें दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच जो भी हमें ये टर्म्स दी गई हैं कोरोजन और रेंसिडिटी इनको हमें एक्सप्लेन करना है और दोनों का हमें एक एक एग्जाम्पल भी देना है So, सबसे पहले कोरोजन की बात करते हैं इसमें दिया है मेटल होता है वो एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाए मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आ जाए या फिर एसिड के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है वो गलना शुरू हो जाता है इसी प्रोसेस को कहा जाता है गाइज कोरोड कोरोजन या फिर उसे कह सकते हैं कि मेटल कोरोड हो गया है सो so, कोरोजन क्या होता है ये हमने समझ लिया इसका एग्जाम्पल भी यही हो जाएगा एग्जाम्पल में कोरोजन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर बहुत सारे ऐसे मेटल्स हो होते हैं जो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते हैं जैसे आयरन आयरन क्या मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो रस्ट होना शुरू हो जाता है ये एग्जाम्पल होगा कोरोजन का इसी तरह से कॉपर है वो मॉइस्चर या फिर एसिड के कॉन्टैक्ट में आने से उसका भी कोरड होने लगता है तो वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा कई सारे एग्जाम्पल्स हो, हो जाएंगे जो भी मेटल्स हैं वो एयर मॉइस्चर एसिड के कॉन्टैक्ट में आने पर कोरोड हो जाते हैं एसिड सॉरी यहां पर हमने कोरोजन को समझा और इसका एग्जाम्पल भी लिया इसी तरह से रेंसिडिटी क्या होता है इट इज द प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज ऐसा खाना जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं Rancidity में क्या होता है वो फैट्स एंड ऑयल्स की वजह से फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है यानी कि ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने पर जो भी फूड है वो खराब होना शुरू हो जाता है आगे इसमें दिया है दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज वो खराब होना शुरू हो जाता है रेंसिड हो जाता है उसकी टेस्ट और स्मेल दोनों चीजें चेंज हो जाती हैं जैसे गर्मियों के दिनों में सुबह खाना बनाते हैं सुबह हमने कोई सब्जी बना ली शाम को उसमें से स्मेल सी आने लग जाती है और टेस्ट में भी चेंज हो जाता है वो शाम तक खाने लायक नहीं रहता है सो so, रेंसिड होने पर उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस फॉर बटर लिया उसको हमने काफी दिनों तक रखे रहने दिया उसके बाद आप देखोगे तो कि उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा एक बैड सी स्मेल आएगी और उसका टेस्ट भी बिल्कुल खराब हो जाएगा तो बटर का क्या हुआ कई दिनों तक अगर उसे हम रखा रहेंगे तो वो रेंसिड हो जाएगा इसी तरह से बहुत सारे फूड होते हैं हमारे लाइक सब्जी हमने कोई बना ली एक दो दिन रखा रहने दो ना वो खाने लायक रहेगी ना वो सूंघने लायक रहेगी इसी को कहा जाता है रेंसिडिटी कोरोजन और रेंसिडिटी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स दोनों चीजें हमने समझ ली है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हुआ है कंप्लीट अब दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं सारे के सारे दस क्वेश्चन जरूर देखना गाइज और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना सो so, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के बाद आते हैं गाइज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उन क्वेश्चन को रखा गया है जो इन टेक्स्ट में नहीं आए हैं जो एक्सरसाइज में नहीं आए हैं लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं सो so, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है

बाद में इसी तरह से कलर में चेंज हो सकता है जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से गैस भी निकल सकती है या फिर टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकते हैं अगर इनमें से कोई भी चेंज आता है तो कहा जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है ज्यादातर केसेस में ये इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट तो होगा ही जब केमिकल रिएक्शन होगा तो सिंपल सा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं इसीलिए आपके लिए दस एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर टू के लिए मूव करते हैं क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ समझाओ अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो आंसर क्या होगा वेन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वेल अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज कार्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडोक्स रिएक्शन

सो so एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं सी यू ओ यानी कि कोपर ऑक्साइड ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन यानी कि एच टू के साथ तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें जो भी हमारा ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा अकेला बचेगा यहाँ पर कॉपर सो यहां पर आ जाएगा हमारा सी यू प्लस में आ जाएगा यहां पर एच टू ओ आप यहां पर देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड है रिएक्शन होने के बाद कॉपर हो गया यानी कि कोपर ऑक्साइड का यहां पर रिडक्शन हुआ है और यहां पर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो ये कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसी को कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो इस पे इस तरह से एक एरो लगा के शो कर सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो हमने यहां पर रिडक्शन लिख दिया कोपर में हुआ है तो इस तरह से ये एरो हमने बना दिया। बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो हाइड्रोजन हमने यहां पर इस तरह से एरो लगा के ऊपर ऑक्सीडेशन लिख दिया कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए रिडक्शन भी हो जाए उसी को कहा जाता है रेडोक्स रिएक्शन क्वेश्चन नंबर टू हुआ कंप्लीट थर्ड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे सामने है इसमें है हाउ कोरोजन इज डिफरेंट फ्रॉम रस्टिंग रस्टिंग और कोरोजन में क्या डिफरेंस होता है बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है उसी को इस आंसर में समझ लेंगे एंड मॉइस्चर कोरोजन कब होता है जब कोई सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस एयर के कॉन्टेक्ट में आता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है लेकिन अगर रस्टिंग की बात करें रस्टिंग में क्या होता है जो भी मेटल्स हैं, वो होते हैं गाइज रस्ट लेकिन कोई और सब्सटेंस किसी भी तरह का कोई भी मेटल हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है जैसे कि आयरन हुआ स्टील हुआ इनको हम रस्टिंग कहेंगे यहां पर एयर और मॉइस्चर की जरूरत होती है रस्टिंग में लेकिन कोरोजन में गाइज मेटल्स मतलब मेटल्स या कोई भी सब्सटेंसेस हैं जो उनको केमिकल की जरूरत होती है इसमें आगे है salts में जो भी मेटल्स हैं या फिर जो भी मेटल के सोल्ट हैं वो बनते हैं लेकिन अगर रस्टिंग की बात करें उसमें सिर्फ आयरन ऑक्साइड ही बनता है ये छोटा सा डिफरेंस था गाइज कोरोजन और रस्टिंग के बीच में सो क्वेश्चन नंबर थ्री हुआ कंप्लीट फोर के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर फोर इसमें है नेम टू सोल्ड यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ऐसे दो सोल्ड के नाम बताने हैं जिसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है गाइजे तो आपको पता ही होगा ए जी सी एल यानी कि सिल्वर क्लोराइड एंड ए जी बी आर यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड ये दो ऐसे सोल्ड हैं जिनका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सो so आंसर में भी यही लिखा गया है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्वेश्चन नंबर फोर छोटा सा सिंपल सा लेकिन कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखा गया है सो क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर और 6, दो सिमिलर तो क्वेश्चन गया है आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है एच टू ओ टू ये जो भी केमिकल है इसको कलर्ड बोटल्स में रखा जाता है डार्क कलर की बोटल्स में ऐसा क्यों होता है रीजन हमें बताना है सो so आंसर में आ जाएगा

ये डिकम्पोज हो जाएगा प्रोडक्ट में मिलेगा हमें एच टू ओ और प्लस में आ जाएगा यहां पर ओ टू जो भी हमारी ये केमिकल इक्वेशन है इसके बाद इसको बैलेंस भी कर लेंगे यहां पर टू लग जाएगा बैलेंस करने के लिए उसके बाद यहाँ पर भी टू लग जाएगा ये हमारा हाइड्रोजन पर है डीकम्पोज हो जाएगा अगर ये लाइट के कॉन्टेक्ट में आएगा अगर रिएक्शन से हमें बचाना है तो इसको रखना पड़ेगा लाइट से दूरी यानी कि डार्क कलर की बोटल्स में क्वेश्चन नंबर सिक्स भी इसी तरह का है कुछ So, इसमें दिया है डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड डॉक्लर सिल्वर क्लोराइड को रीजन हमें बताना है. तो जाएगा, हुआ, चाहे सिल्वर ब्रोमाइड हुआ ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं लाइट के कॉन्टेक्ट में आने पर अगर इनको सुरक्षित रखना है तो डार्क कलर की बोटल्स में रखा जाएगा लाइट से बचा के ऐसा वो ऐसी बोतल जिसमें लाइट अंदर ना जा सके सो so आंसर में भी यही आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोटल इट रिएक्ट विद सनलाइट एंड डीकोज टू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस अगर उसको डार्क कलर की बोतल में नहीं रखेंगे तो वो सनलाइट के साथ रिएक्शन कर लेगी और सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाएंगे डीकम्पोज हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्लोरीन गैस निकल जाएगी So, ये दो सिंपल सिंपल सिमिलर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स हमने कंप्लीट किए सेवन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर इसमें है व्हाई डू कॉपर लूज शाइन व्हेन टू एयर कोई कॉपर का हमने बर्तन लिया उसको कुछ दिनों बाद रखा रहने देंगे कुछ दिनों के बाद उसको देखेंगे तो वो ब्लैक से कलर का हो जाता है जो उसमें शाइन होती है चमक होती है वो डल हो जाती है सरफेस उसका ब्लैक कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ऐसा क्यों होता है रीजन हमें बताना है सो so, रीजन बिल्कुल सिंपल है कॉपर को एयर के एक्सपोज में रखेंगे तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा रिएक्शन होने पर बनेगा कोपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है इसीलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की वजह से उसकी जो शाइन है वो डल हो जाती है क्योंकि सरफेस जो है उसका वो वाला कोपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा गैज सी यू प्लस में ओ टू रिएक्शन होने पर बनेगा गैज सी यू ओ टू यहाँ पर जो भी हमारा कोपर है एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर वो सी यू ओ टू में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है इसीलिए उसकी शाइन चमक गायब हो जाती है यही आंसर में लिखा हुआ है सो इसे पढ़ते हैं अ अकोपर वेसल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर व्हेन एक्सपोज्ड टू इट दे फॉर्म्स कोपर ऑक्साइड एंड फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग ओवर द वेसल एंड मेक्स वेसल टू लूज इट्स शाइन जो भी हमारा कोपल वे, वै, वेसल है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा अगर उसके उसके एक्सपोजर एक्सपोजर में में वो आएगा उसके में आने पर ऑक्साइड ये बनेगा कंपाउंड और वो ब्लैक कलर का होता है तो जो भी सरफेस है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर की उस पर एक कोटिंग हो जाएगी जिस वजह से उसकी शाइन जो है वो गायब हो जाएगी चमक गायब हो जाएगी इजी सा क्वेश्चन नंबर सेवन उसके लिए हमें यहां पर एग्जाम्पल के लिए केमिकल इक्वेशन भी लिख दी है तो क्वेश्चन नंबर एट के लिए मूव करते हैं गैस नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर एट गाइज इसमेंट कोई कंपाउंड एक्स है हमारे पास वो डीकम्पोज होता है किसी कंपाउंड वाई में और साथ में मिलती है सीओ टू गैस जो भी हमारा वाई कंपाउंड है उसे सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है अब जो भी हमारे कंपाउंड एक्स और वाई हैं, उनके नाम हमें बताने हैं इसके अलावा जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है हमारा कंपाउंड एक्स डीकम्पोज होकर वाई और सी और टू में चेंज हुआ है उस रिएक्शन को भी हमें शो करना है केमिकल इक्वेशन से जब भी रिएक्शन को शो किया जाएगा केमिकल इक्वेशन से शो किया जाएगा सो so, एक्स और वाई ये आपके क्वेश्चन इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा आपका सो so, प्रैक्टिस कर लेने हैं जितने ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के आप कर सकते हैं जो हमारा एक्स कंपाउंड है ये डीकम्पोज होता है वाई में साथ में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड वाई वाला यहां पर जो है उसका यूज किया जाता है सीमेंट बनाने में सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में ये पढ़ के ये छोटा सा हिंट दिया गया है तो मुझे इसका आंसर मिल जाता है सबसे पहले जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है उसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा यानी यानी कि कि वाले पार्ट को करूंगा देखो कैल्शियम ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसका यूज किया जाता है सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए यानी कि वो हमारा हो जाएगा गाइज वाई कंपाउंड सी ए ओ यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिलता कब है किसके डिकम्पोज होने पर मिलता है ये हमें समझना है तो यहां पर सेकेंड वाले का आंसर पहले लिखेंगे केमिकल रिएक्शन लिखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का गैस डीकम्पोज होगा इसको हीट किया जाएगा इसके डिकम्पोज होने पर हमें मिलेगा सी यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा वाई होगा जिसका यूज सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है इसके साथ साथ गाइज यहां पर सी ओ टू गैस भी हमें मिलेगी सिंपल सीधी बात क्या होगी ये हमारा हो जाएगा गाइज एक्स कंपाउंड ये हो जाएगा हमारा वाई कंपाउंड जिसका यूज किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए सो so, जो भी हमारे एक्स कंपाउंड है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो भी हमारा वाई कंपाउंड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड दोनों चीजें मैंने आपको बता दी फर्स्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहां पर लिख देंगे गाइज फर्स्ट वाले में एक्स इक्वल्स टू में यहां पर हो जाएगा हमारा सी ए सीओ थ्री एंड वाई वाला कंपाउंड हो जाएगा हमारा गाइज सी ए यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड हिंट दिया गया है सीमेंट बनाने में किसका यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का। फर्स्ट और तो क्वेश्चन नंबर दिया है आइडेंटिफाई मिस्टेक एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन जो भी केमिकल इक्वेशन दी है इसमें हमें मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है गलत क्या है केमिकल इक्वेशन में ये हमें पता लगाना है उसके बाद केमिकल इक्वेशन को सही करके भी लिखना है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार गैस आता है आपको कोई फिगर दे दिया जाएगा आपको कोई केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी उनमें मिस्टेक्स फाइंड करनी है और उसको सही करके भी लिखना होगा सो तो यहां पर एक इजी सी इक्वेशन दी गई है आपको टफ भी दी जा सकती है मैंने सिर्फ बताया है इस क्वेश्चन के जरिए आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है सो तो यहां पर वीडियो को रोको और बताओ इस केमिकल इक्वेशन में क्या मिस्टेक है अगर पता कर पाते हो तो उसको ठीक करना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा सो यहां पर देखो, इसे मैग्नीशियम है ठीक है मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के हमेशा दो एटम्स होते हैं यानी कि यहां पर O2 आएगा ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर टू एटम्स नहीं दिए गए हैं यही इसकी मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है अब इसको बैलेंस करेंगे बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम के आगे टू लगा देंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे टू लगा देंगे जो भी हमारी मिस्टेक यहाँ पर थी कि ऑक्सीजन के टू एटम्स नहीं दिए गए थे वो हमने आइडेंटिफाई किया उसको हमने ठीक किया इक्वेशन को बैलेंस किया तो क्वेश्चन नंबर नाइन हुआ कंप्लीट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके लास्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर टेन हमारे सामने है हम ये भी कह सकते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूं जो भी हमारा ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप खुद से कमेंट में जरूर लिखेंगे जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहां तक देखते हुए पहुंचे हैं सो क्वेश्चन नंबर टेन में दिया है When we heat copper nitrate in a test tube, a brown gas X is formed. Name the gas X and write the balanced chemical equation for the reaction. Copper nitrate है, guys. इसका formula क्या होता है? Cu यानी कि copper आ जाएगा, nitrate यानी कि NO3 आ जाएगा. इसके दो molecules होते हैं, तो bracket लगा के 2 लिख दिया जाएगा. ये हमारा है copper nitrate. इसको heat किया जाता है. Heat करने पर ये क्या होगा? Decompose हो जाएगा. डीकोज किस किस में होगा हमें मिलेगा गाइज सी यू ओ यानी कि कोपर ऑक्साइड साथ में मिलेगी गाइज हमें एनओ टू यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ही मिलेगी हमें ऑक्सीजन यानी कि O2 टू uh, कोपर नाइट्रेट को हमने हीट किया कोपर ऑक्साइड मिला प्रोडक्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली और ऑक्सीजन मिली यहां पर जो भी प्रोडक्ट में हमें गैसेस मिली हैं Cuo, ये तो होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन हमारी गैस है इनमें वो ब्राउन कलर की है सो so, ब्राउन कलर की गैस कौन सी होती है ओबियस बात है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हमारी ब्राउन कलर की गैस होती है जो इस रिएक्शन में हमें मिलेगी और जो भी केमिकल रिएक्शन था वो हमने लिख दिया है अब इसी इक्वेशन को बैलेंस भी करना है बैलेंस करने के लिए यहां पर देखते हैं एक एक नाइट्रोजन के, है। एक है। के यहां पर भी दो एटम्स कर देंगे नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हुआ नाइट्रोजन के बाद हमें ऑक्सीजन को भी देखना है ऑक्सीजन के यहां पर थ्री टूजा सिक्स एटम्स है राइट हैंड साइड में चेक करते हैं यहां पर देखो 2 2 4 4 प्लस में 2 हो जाएगा गाइस 6 और यहां पर भी एक एटम है तो हमें यहां पर 7 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में हमें क्या करना होगा 7 हमारा एक ओड नंबर होता है उसको इवन में चेंज करना होगा इवन में चेंज करने के लिए CuO के आगे हमने 2 लगा दिया अब यहां पर क्या होगा ऑक्सीजन के दो एटम्स ऑक्सीजन के यहां पर 2 2 4 एटम्स लिखते चलते हैं यहां पर दो है यहां पर फोर है यहां पर टू है राइट हैंड साइड में कितने एटम्स एटम्स हैं हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं यहां पर थ्री है. हमारा बैलेंस है नाइट्रोजन हमारा बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन इजीली किया जा सकता है देखो क्या करेंगे सबसे पहले यहां पर टू रखेंगे तो हमारा क्या हुआ कॉपर के टू एटम्स कोपर के टू एटम्स कोपर बैलेंस है नाइट्रोजन कितना हुआ यहां से देखो नाइट्रोजन के टू एटम्स नाइट्रोजन के टू एटम्स हैं टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि नाइट्रोजन के फोर एटम्स हो जाते हैं इस साइड में हमारे सिर्फ टू हैं नाइट्रोजन के फोर एटम्स करने के लिए इस टू को हटा देंगे यहां पर फोर लगा देंगे और हमारी इक्वेशन बैलेंस चेक कर सकते हो आप गाइजे इतना ईजी है बस आपको थोड़ा सा विचार करना है थोड़ा सा सोचना है इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी देखो कोपर के टू एटम्स कोपर के टू एटम्स कोपर बैलेंस नाइट्रोजन के यहां पर टू जा फोर एटम्स राइट हैंड साइड में चेक करेंगे नाइट्रोजन के फोर एटम्स नाइट्रोजन बैलेंस है ऑक्सीजन की बात आती है ऑक्सीजन यहां पर कितना है थ्री सबसे पहले क्या करेंगे टू जा फोर हो जाएगा फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के इस साइड में है 12 एटम से राइट हैंड साइड में चेक करेंगे देखो ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहां पर है लिख लेते हैं उसके बाद ऑक्सीजन के 2 4 8 यहां पर है लिख लेंगे ऑक्सीजन के 2 यहां पर है इसको भी लिख लेंगे 2 प्लस में 8 प्लस में 2 ये इक्वल हो जाएगा गाइस ऑक्सीजन के 12 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में भी हैं और राइट हैंड साइड में भी है क्वेश्चन नंबर टेन में जो भी इक्वेशन दी गई थी उसको हमने बैलेंस भी कर दिया इक्वेशन को लिख भी दिया जो हमारी एक्स गैस थी यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो भी हमने आंसर आपके लिए कर दिया तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन थे जो भी इंटेक्सड क्वेश्चन थे सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना और जो भी नए स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्लास टेन से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कॉन्टेंट है इसी तरह से चैनल पर आता रहेगा सो so, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में अगर आपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज